से मैं कल जो है वो क्लास नहीं ले पाई थी। और तो इंशाल्लाह जो हम लोग बायो वन कवर करेंगे और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम बायो टू का क्विक रिविजन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कितने चैप्टर्स आ रहे हैं और इन चैप्टर्स के अंदर। अच्छा, अगर आपको लगे ना कि पॉज हो रहा है या कुछ भी मसला हो रहा है इंटरनेट का तो यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में ऑन कर देती हूँ ताकि सबके लिए आसानी हो। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट, अभी स्टार्ट करने लगी हूँ। अच्छा, हमारे पास जो एमडी कैट का बायोलॉजी वन सबसे पहले करने लगे हैं। अच्छा, एक और बात ये कि हम लोग जो है ना कल सेशन नहीं ले पाए थे, इसका रीज़न यही था कि इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, अगर पॉज होता है तो यू गाइस कैन टेल मी, बाकी इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं बायो वन। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बायो वन के अंदर हमारे पास कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं और चैप्टर्स के अंदर मैं आप लोगों को की पॉइंट्स करवाऊंगी। तो आप लोगों को मैं वर्थ ऑफ एवरी चैप्टर भी बताऊंगी, साथ में हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग काइंडली काइंडली एवरी वन यू मस्ट हैव अ पेंसिल विद यू, अपने साथ पेंसिल रखें, पेन पेंसिल काइंडली मैसेजेस वगैरह करें विदाउट एनी रीज़न, मैसेज नहीं करें। ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर। यस, ये लाइव सेशन रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह ताला। बाकी सबसे पहले आप लोग अपने पास पेन और पेंसिल रख लें और जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, एक भी पॉइंट काइंडली स्किप नहीं कीजिएगा, बिकॉज एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बायो वन का, हमारे पास कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। बेसिकली बायो वन के अंदर से वी हैव अ 10 चैप्टर्स जो कि इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 10 चैप्टर हैं जो इंक्लूड हो रहे हैं। आपको मेरी आवाज़ तो आ रही ना, अगर ब्लर हो रहा है सब कुछ तो यू कैन हेयर मी क्लियरली, राइट। अच्छा, मैं चैट बॉक्स जो है ना मैं आपको, अच्छा ये किस प्रोवेंस के लिए है, दिस इज़ फॉर एवरी वन आउट देयर, बिकॉज ये चैप्टर्स जो है वो पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, स्पेसिफिकली सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल, दे ऑल हैव द सेम चैप्टर्स आउटलाइन। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले मैं चैट बॉक्स बंद करी ताकि हम आराम से पढ़ सकें। बायो वन का जो चैप्टर है, वी हैव बेसिकली 10 चैप्टर्स हैं। नंबर वन इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, द अदर इज एंजाइम, देन वी हैव द सेल चैप्टर, वराइटी ऑफ लाइफ, एंड देन किंगडम एनिमेलिया, बायो एनर्जेटिक, न्यूट्रिशन, गैशियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, आप याद रखिएगा, इन सब के अंदर सबसे जो मेन चैप्टर्स का जो फोकस है ना वो ये है। ट्रांसपोर्ट जो चैप्टर है ना, इसका प्लांट पार्ट हो या फिर एनिमल पार्ट, बोथ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन का प्लांट पार्ट, एनिमल पार्ट, इवन तो अगर ये चैप्टर आपके कुछ कुछ टॉपिक इंक्लूड है ना, स्टिल यू हैव टू डू द कंप्लीट चैप्टर, पूरा चैप्टर करना ये। तो आप लोग ये लिख लें ये चीज़ के बायो एनर्जेटिक, न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो चैप्टर जो बेसिक है, मतलब वो चैप्टर्स जिसके अंदर से बेसिक की चीज़ें आती हैं, दे आर दी सेल एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो दे आर वेरी वेरी ईजी। ठीक, तो सेल और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बहुत आती हैं। इंजाइम का एक छोटा सा चैप्टर है जो कि हमारे पास आसानी से कवर हो जाता है। फिर वराइटी ऑफ लाइफ है, वो भी छोटा सा एक चैप्टर है। सो दिस इज़ हाउ हमारे पास चैप्टर्स हैं। और जो किंगडम एनिमेलिया की बात है, तो मैं आपको ये चैप्टर जब हम किंगडम एनिमेलिया करेंगे तो मैं उधर आपको डिस्कस करूँगी कि किंगडम एनिमेलिया कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी कितनी वर्थ है। सही, अच्छा, अभी जो हम फिलहाल डिस्कस करने लगे हैं, सबसे पहला चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर ना आप एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपके पास प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए कि वाटर की कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप ये चीज़ें लिख लें कि वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ अ बेस्ट सॉल्वेंट। ठीक है, कभी भी हम यूज़ करते हैं ना अल्कोहल और वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ बेस्ट सॉल्वेंट। अब हीट ऑफ कैपेसिटी आपके पास पूछी जाती है कैसी है उसकी, तो हीट ऑफ कैपेसिटी कैसी है, हाई हीट ऑफ कैपेसिटी। हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसी है, हाई है। ठीक है, और आपके पास एम्फोटेरिक क्या होता है, यानी एसिड और बेस बोथ एक्ट कर रही होती है। तो ये वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये अच्छे से करनी है। ठीक है, एम्फोटेरिक हो गया, और हमारे पास ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, रिजिड प्रोवाइड करता है। ठीक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर अच्छे से पढ़नी है, ये पेपर में एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, देन वी हैव द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग सेल। अच्छा, आपके पास एक चार्ट बना हुआ होगा आपकी बुक में, काइंडली बुक भी खोल लें साथ में, ताकि आपको बुक के साथ साथ रिलेट करके मैं बता सकूं। अच्छा, मैं अपनी बुक का पेज नंबर बता देती हूँ। मेरे पास जो है ना वो ओल्ड बुक है, तो आई डोंट नो विच बुक यू हैव, बट मेरे पास जो है वो ओल्ड बुक है। मैं आपको इसका पेज नंबर बता देती हूँ, अपने साथ में बुक खोल के उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, डबल टिक।
पेज नंबर, मेरे पास जो ओल्ड बुक है उसका पेज बता रही हूँ, पेज नंबर 18। आप पेज नंबर 18 पे आएँ, आपके पास लिखा होगा एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये आपको लग रहा है सिंपल है कि ये अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप लोग लिख ले नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन इस चीज़ को लिख ले बेशक। नाइट्रोजन किस में हेल्प करता है, अब तो एक ही हुई ना, अमाइनो एसिड सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, अब आपके पास ये पूछ सकते हैं कि सल्फ़र किस में हेल्प करती है, ठीक है, सल्फ़र, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन कौन से हैं, और उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं दिया हुआ, क्योंकि प्रोटीन के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन भी इंक्लूड होता है लेकिन सल्फ़र भी आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास सल्फ़र दिया हुआ है और प्रोटीन बोला हुआ है, तो आपने याद रखना है कि प्रोटीन के कॉम्पोनेंट के अंदर सल्फ़र भी इंक्लूड होता है। सही, तो सल्फ़र इज इक्वल्स टू कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन, ये चीज़ आपको अच्छे से जाननी चाहिए। कार्बन के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट होता है, इट्स अ कार्बन फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको बुलेट्स पॉइंट के अंदर लिख लें, और मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे ये लिखें, और आई वांट अ गुड नोट्स फ्रॉम यू ऑल। मैं जो है ना, आप लोग जब नोट डाउन कर लेंगे ना, तो आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा, राइट? तो कोई एक बच्चा जो कि बहुत अच्छे से नोट डाउन कर रहा होगा, तो काइंडली ये सारा कुछ नोट डाउन करके पॉइंटर्स की फॉर्म में आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, जो भी हमने आज डिस्कस किया है और जो भी पॉइंटर्स हमने पढ़े हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो किसके अंदर यूज़ होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक, एरोबिक रिस्पायरेशन इसके अंदर। अच्छा, अभी डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास जो ये चार्ट बना हुआ है आपके सामने, सही, इसके अंदर आपके पास बैक्टीरिया और मैमल के बारे में बना हुआ है। अभी आपको डायरेक्टली इस तरह से नहीं आता कि बैक्टीरिया का क्या है या मैमल्स का क्या है। अभी आपके पास कैसे आता है कि अगर आप यहाँ पर देखें, आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताएं कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो मैमल सेल में कम है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता, एवरीवन नोस कि आपने ये याद किया, और ये याद करना भी एक मुश्किल काम है। आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो आपके पास मैमल्स के अंदर कम है, तो यू नो दैट ओनली डीएनए। ठीक है, ओनली डीएनए इज अ कॉम्पोनेंट जो कि हमारे पास क्या होता है, डीएनए और आरएनए, जो मैमल्स के अंदर कम होता है एज़ कम्पेयर टू द बैक्टीरिया सेल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि डीएनए आपसे फिक्स पॉइंट नहीं पूछा जाता, सिर्फ वाटर का पूछ सकते हैं, दैट इज 70, क्योंकि ये तो बेसिक है ना। ठीक है, वाटर का पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते। आपके पास क्वेश्चन ये आएगा, विच कॉम्पोनेंट आइदर द बैक्टीरिया, इसको लिख लें, विच कॉम्पोनेंट बैक्टीरिया और मैमल्स के अंदर, विच कॉम्पोनेंट इज ग्रेटर इन मैमल्स। सो ऑलवेज रिमेंबर्स, इन मैमल्स विच इज ग्रेटर, तो इट इज़ अ डीएनए और आरएनए, विच इज लेस, सॉरी नॉट ग्रेटर, लेस। ठीक है, मैमल्स के अंदर क्या चीज़ लेस है, दिस इज़ डीएनए एंड आरएनए। इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें ना, वो हमारे पास दोनों की सेम होती हैं। सही, तो आपने ये बात याद रखनी है कि मैमल्स के अंदर डीएनए आरएनए कम होता है, इसको लिख लें। सही, हालांकि ये चार्ट आपको बहुत सिंपल सा लग रहा होगा कि इसके अंदर तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, सिर्फ एक चार्ट बना हुआ है, बट थिंग इज़ दैट इसमें से ये पूछ सकते हैं कि कौन सा कॉम्पोनेंट कम होता है, कौन सा कॉम्पोनेंट ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ आपने याद करनी है इस तरीके से। ठीक, अब आपको पता है कि मैमल्स के अंदर हर चीज़ ज़्यादा होती है, लाइक आप देखें तो प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन कम क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए इज लेस इन मैमल्स। ठीक, तो इसको लिख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लें। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक वाटर का टॉपिक आता है, तो वाटर से एक चीज़ याद लिख लीजिएगा, आपकी बुक में लिखा हुआ होगा कि वाटर क्या होता है, मोस्ट अबेंडेंट लिविंग सेल की नीड होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होता है आपकी पूरी बॉडी में, कितना होता है इसकी परसेंट आती है, तो लिखें वाटर कितना होता है आपके पास, 70 से 90%। ठीक है, वाटर आपकी बॉडी में कितना होता है, 70 से 90% होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वाटर 70 से 90% होता है, एंड वाटर इज़ पोलर इन नेचर, ये पॉइंट भी लिखें। ठीक है, वाटर इज़ पोलर इन नेचर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं उसको देख लेते हैं। आपके पास जो प्रोसेस होता है, व्हाट इज़ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो चीज़ें मिल रही होती है, वाटर का रिमूवल होता है, राइट, डिहाइड्रेशन, वाटर के रिमूवल को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। आपके पास एमसीक्यूज आते हैं कि कंडेंसेशन का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो कंडेंसेशन का दूसरा नाम क्या होता है, डिहाइड्रेशन, वाई डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, कंडेंसेशन का दूसरा नाम है, आप ये लिखे, कंडेंसेशन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, एंड इट इज़ द रिवर्स ऑफ, व्हाट इज द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, व्हाट इज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, कैन एनीवन टेल, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे लिख लें, रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन इज हाइड्रोलिसिस।
सही है, कंडेंसेशन के रिवर्स क्या चीज़ होती है? हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस। अब कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है जिसके अंदर आपके पास वाटर टूटता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट आपको प्रोडक्ट पे वाटर मिलता है। लेकिन हाइड्रोलेसिस में क्या होता है, वाटर का एडिशन होता है। ठीक है, जहाँ पर कोई बात समझ में नहीं आ रही होगा, इस कैन आस्क मी फ्रीली। सही है, और काइंडली इसको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखें, लाइक ऐसे करके कि व्हाट इज़ द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, इट इज़ अ हाइड्रोलाइसिस। ठीक, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही जो कि सबसे लाइक ऐसी चीज़ें ना जो आपको इग्नोर कर लेते हो, रिकॉल के क्वेश्चंस के अंदर बहुत आती है। ठीक है, तो आपके पास पूरा कंडेंसेशन का प्रोसेस कोई नहीं पूछता, एवरी वन नोज के कंडेंसेशन क्या होता है, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है आपके पास ये पूछा जाता है। तो यू गाइज नो दिस के इसका दूसरा नाम क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अच्छा इसके बाद वी हैव क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारी। अच्छा आप याद रखिएगा एक चीज़, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा पेपर में आती है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आप लोग इसको रट लीजिएगा प्लीज़। टाइप्स ऑफ प्रोटीन आपके पास, जैसे आपको पता है व्हाट इज़ एग्जांपल ऑफ प्राइमरी, मैं कोई स्पेस ढूंढ के वहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन की हेडिंग डाल के लिखें प्राइमरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू इधर से ज़रूर आता है। ठीक है, प्राइमरी की एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन। मैं फास्ट तो नहीं चल रही, सेकेंडरी की एग्जाम्पल क्या होती है, हेयर एंड स्पाइडर वेब। एग्जाम्पल याद करनी है, हेयर स्पाइडर वेब बुक में लिखी हुई है, आप गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, टर्शरी की एग्जाम्पल क्या है, कैन एनीवन टेल मी टर्शरी की एग्जाम्पल क्या होगी? अच्छा ठीक है, आप लोग अपना लिखते रहे, लाइसोजाइम। ठीक है, अच्छा देन वी हैव क्वार्टरनरी की एग्जाम्पल क्या होगी, हीमोग्लोबिन। सही, क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये चीज़ आपके पास, अच्छा आपके पास ये भी पूछते हैं कि स्पाइरल किसके अंदर बनता है, तो स्पाइरल किस में बनता है, सेकेंडरी में बनता है। ठीक है, स्पाइरल हमेशा सेकेंडरी के अंदर बन रहा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। ये नाम आप लोग लिख लीजिएगा, इंसुलिन हमारे पास क्या है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, लिख लिए, यस लिख दें इफ़ यू हैव डन राइटिंग ऑल दोज थिंग। अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो यस लिख दें, सो आई विल मूव ऑन। ठीक है, आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोटीन बता दिए, देयर इज अ फोर टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। इनके एग्जाम्पल्स पेपर में बहुत अच्छे से आती है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। सही, क्लियर है यहाँ तक बात सबको? अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि किससे मिलकर बनता है, डिफरेंट शुगर्स से मिलके बनता है। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें, पॉलीसेक्राइड कह रहे होते हैं। सही, अब आपके पास कार्बोहाइड्रेट की, सबको पता है कि ये शुगर से मिलके बनता है, तो अब जाहिर है आसान तरीके से तो ये आएगा नहीं, ये आपको कॉम्प्लेक्स करके देंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो तीन होती है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक, अब आपके पास मोनो क्या होता है, ओलिगो क्या होता है, पॉली क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनता है, शुगर और पॉलीसेक्राइड से। शुगर के अंदर दो शुगर्स आते हैं, वन इज़ मोनोसेक्राइड, अदर इज़ डाइसेक्राइड। इसको बना लें आप लोग अपने पास, ये दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को चाहिए हुआ ये PDF तो यू गाइज कैन आस्क मी, बिकॉज आई मेड दिस PDF, तो येस यू कैन गेट दिस वन इफ़ यू वॉन्ट। ठीक है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमारे पास, इसकी दो टाइप्स होती है, शुगर्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, इसको कैटेगराइज किया गया। शुगर्स में आते हैं मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड। एग्जांपल क्या है हमारे पास, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डाई में क्या आता है, वो चीज़ें तो दो से मिलके बनती हैं, सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास डाइसेक्राइड में। अब आपके पास इसमें स्टोरेज वाली आती है और स्ट्रक्चरल। पॉलीसेक्राइड में क्या होते हैं, एक होती है स्टोरेज, जो आपकी बॉडी स्टोर करती है, जैसे ग्लाइकोजिन। या आपके पास पेपर का क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजिन किसका होता है, एनिमल्स का होता है या प्लांट्स का होता है। स्टार्च किसका होता है, एनिमल्स का होता है या प्लांट्स का होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ग्लाइकोजन इज़ फॉर द एनिमल एंड स्टार्च इज़ फॉर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द प्लांट्स। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में एक दफ़ा नहीं, पास पेपर में बहुत बार आया है। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लीजिएगा। अब आपके पास पूछते हैं व्हाट इज़ काइटिन। काइटिन जो है ना, वो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, इट इज़ नॉट अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। तो ये एग्जाम्पल में याद रखिएगा, सेलुलोज एंड काइटिन दे बोथ आर स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। काइटिन क्या होता है आपके पास, एग्जोस्केलेटन्स पे होता है। ठीक है, ये भी आपके पास आ सकता है कि एग्जोस्केलेटन पे कौन सा पॉलीसेक्राइड होता है, स्टोरेज वाला, या फिर स्टोरेज वाला होता है, या फिर
स्ट्रक्चर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो काइटिन इज अ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, सही है। तो ये आपके पास यहाँ से इंटरलिंक हो गया। हैव यू डन ड्रॉइंग इट? ये चार्ट आप लोगों ने बना लिया है। ठीक है, होप सो यहाँ तक सब ने कर लिया होगा। सो मूव करते हैं आगे। अच्छा, आपके पास ना डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स हैं, आपको सबका पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट किससे आया है, कार्बोहाइड्रेट का सब यूनिट क्या है, शुगर है, ठीक है। आपके पास जो है ना वो अदर जो है बाकी वाले उन सब का क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा वाला है और दूसरे के लिए कौन सा वाला है। कार्बोहाइड्रेट का स्मॉल यूनिट क्या है, शुगर क्या है, शुगर इज अ मोनोसेक्राइड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे ड्राइव होता है, मोनोसेक्राइड। डिफरेंट मोनोसेक्राइड कंबाइंस टुगेदर दे विल फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं, सही है। प्रोटीन किससे बनते हैं, एसिड से। अब लिपिड किससे बनते हैं, आपके पास ये लिखा हुआ है, लिपिड्स किससे बन रहे हैं, फैट्स एंड ऑयल से बनते हैं, सही। प्रोटीन किससे ड्राइव होता है, अमाइनो एसिड से ड्राइव हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड किससे ड्राइव होता है, न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइंस टुगेदर एंड दे विल फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। लिपिड्स किससे बनते हैं, फैट्स एंड ऑयल से बनते हैं। तो ये आप लोग इस तरह करके बुलेट्स फॉर्म में लिखें कि कार्बोहाइड्रेट सी, मतलब कार्बोहाइड्रेट किससे बन रहा है, मोनोसेक्राइड से या शुगर से, ठीक है। प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है। और इनके अंदर कौन सा लिंकेज होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड और लिंकेज करके ब्रैकेट में लिख दे पेप्टाइड। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स क्या होते हैं, इनके अंदर फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है सबको, एवरीवन इज़ विद मी। अच्छा, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बना के दिखा देती थी ताकि आपको आइडिया हो। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपसे पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। अब व्हाट इज अमाइनो ग्रुप, NH2 को कहते हैं अमाइनो ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड OH को कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। आपके पेपर में ये भी पूछा जाता है कि पेप्टाइड लिंकेज कौन सा होता है, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज कैसा दिखता है, तो सी डबल बॉन्ड ONH को कहते हैं पेप्टाइड, ऐसा दिखता है, सी डबल बॉन्ड ओ और NH, आपके पास लिंक बनाया हुआ था और बोलते हैं पेप्टाइड लिंक, इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लें और बता दें ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज, दिस इज अ पेप्टाइड लिंकेज, क्लियर है, दिस इज अ पेप्टाइड लिंकेज। अच्छा, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू गाइज कैन आस्क मी फ्रीली इन मैसेज, ओके। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, यू गाइज कैन आस्क मी। अगर पॉज हो रहा है देन डू लेट मी नो अबाउट इट, इफ देर इज अ प्रॉब्लम यू गाइज नीड टू टेल मी, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड आपको पता है, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मिलता है और क्या बना रहा था, न्यूक्लिक एसिड, सही। तो अब न्यूक्लियोटाइड का भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा ना, वो किससे मिलके बनता है, तीन चीज़ों से। एक होता है पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, यानी एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरैसिल, दे आर दी बेस, ठीक। और आपके पास बेस आपको पता होना चाहिए, एडिनिन किसके साथ मिलता है, ठीक है, गुआनिन किसके साथ मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्यूरिन क्या होता है, पायरिमिडीन क्या होता है, सही। आपके पास प्यूरिन क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं, पायरिमिडीन क्या होता है। प्यूरिन हम याद रखिएगा डबल रिंग स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, ठीक है। ये पेपर में बहुत आते हैं न्यूक्लियोटाइड वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आते हैं कि जो प्यूरिन होता है ना वो क्या होता है, दे आर द डबल रिंग, और उसके अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, एडिनिन एंड गुआनिन। और एक चीज़ याद रखिएगा, कौन आपस में बॉन्ड करता है, एडिनिन हमेशा थायमिन से बॉन्ड करता है और साइटोसिन हमेशा गुआनिन से करता है, ठीक है। अगर ये आपके पास आरएनए होगा तो थायमिन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरैसिल आ जाएगा, ठीक है। आरएनए के लिए सिर्फ यूरैसिल, बिकॉज आरएनए डोंट हैव अ थायमिन एंड डीएनए डोंट हैव अ यूरैसिल। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत बहुत ज़्यादा, जितना भी बोले ना उतना ज़्यादा आता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब आपके पास आता है प्योरीन, प्योरीन इज़ अ डबल रिंग,
सही है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन इज अ सिंगल रिंग। अब आपको कैसे याद करना है, देखिए सिंगल है ना आई आर है, पायरिमिडीन में बहुत बार आई आर है, तो याद रखिए इट्स अ सिंगल रिंग, और प्योरीन क्या होता है, इट्स अ डबल रिंग। सही है, प्योरीन आप देखिए प्योर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, व्हेन यू आर प्योर विद समवन इट्स ऑफकोर्स डबल, लाइक आप दोनों साइड से होते हैं ना तो प्योर हो ना, सो इट इज़ डबल रिंग, ऐसे करके याद कर ले, एंड पायरिमिडीन इज अ सिंगल रिंग। सही, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, सी टी यू, सी क्या है हमारे पास, साइटो सॉरी एडिनिन एंड गुआनिन, साइटोकिन एंड थायमिन एंड यूरैसिल, ठीक है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड होता है, और एडिनिन। अब आपके पास इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज भी आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर मैंने कुछ एमसीक्यूज भी डाले ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक है। अच्छा आपको यहाँ तक बात सारी, अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है, ऐसा टर्पिनोइड कौन सा होता है जिसके अंदर 17 कार्बन एटम्स होते हैं, कैन एनीवन टेल मी, ऐसा टर्पिनोइड, टर्पिनोइड क्या होता है, इज़ अ क्लास ऑफ लिपिड, ठीक है, ऐसा टर्पिनोइड कौन सा है जिसके पास 17 कार्बन एटम्स होते हैं, कैन एनीवन टेल मी, टर्पिनोइड विच हैव 17 कार्बन एटम्स, ठीक है, प्लीज डू लेट मी नो, टर्पिनोइड विच हैव 17 कार्बन एटम, व्हाट इज इट, ऐसा टर्पिनोइड विच हैव 17 कार्बन एटम, व्हाट इज इट, कैन एनीवन टेल मी। अब तक तो आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, अब मुझे मैं चाहती हूँ कि मुझे बच्चे आंसर करें, सो एनीवन, इट इज स्टेरॉइड, ठीक है, स्टेरॉइड के पास क्या होते हैं, 17 कार्बन एटम होते हैं, जब भी आपके पास टर्पिनॉइड्स के पास 17 कार्बन होंगे ना तो इसको कहते हैं स्टेरॉइड, वही स्टेरॉइड्स जो आप क्रीम्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हो, जो आप कहते हो कि इट्स वेरी हार्मफुल, जैसे कि आपके अंदर स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजेन, प्रोगेस्टेरोन, जो हॉर्मोन्स है दे आर स्टेरॉइड इन नेचर, ये पेपर में आता है, लिख लें इसको, स्टेरॉइड के अंदर क्या होता है, कौन से हॉर्मोन्स इंक्लूड है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, ठीक है, दे आर द स्टेरॉइड। सही है, क्लियर है, आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, टर्पीन्स, ठीक है, विटामिन ए के अंदर क्या होता है, तो विटामिन ए हैव टर्पीन्स, ठीक है, विटामिन ए के अंदर क्या होता है, टर्पीन्स, राइट इट, विटामिन ए टर्पीन्स। मैं आपको वो सारी चीज़ें करा रही, आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, दे आर द रिकॉल क्वेश्चन एंड आप उसको इग्नोर कर देते हो, तो प्लीज़ एवरीवन पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख लें ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए, और जो लिखेगा काइंडली डू लेट मी सेंड एज वेल, ठीक है, मुझे पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। अच्छा अब आपके पास पायरिमिडीन, मैंने आपको बताया था दिस इज़ अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइंस टुगेदर, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक और चीज़, आपके पास दो फिगर्स आती हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिगर नहीं कहेंगे, दो चीज़ें आती हैं बहुत इम्पोर्टेंट, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है पेपर में, एमसीक्यूज आता है रिकॉल क्वेश्चंस के अंदर, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियो इट्स टाइड एंड अदर इज़ न्यूक्लियोसाइड, डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, देखिए आप याद रखिएगा, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट शुगर, सॉरी नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर, राइट, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये तीन, अगर ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, क्या चीज़, बेस प्रेजेंट है, कौन सी चीज़ साइड है, मीन्स एबसेंट है, वट इज़ दैट थिंग, दैट इज़ न्यूक्लियोसाइड, साइड मतलब फॉस्फोरिक एसिड इज एबसेंट, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब है, आपके पास एक चीज़ एबसेंट है, वट इज़ इट, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड के पास क्या होता है, आपके पास फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दें माइनस फॉस्फोरिक एसिड, तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ एबसेंट है, फॉस्फोरिक एसिड इज एबसेंट देयर। अब ये आपके पास दो तीन तरीके से, इनको पता है कि आपको फॉस्फोरिक, ये पता है कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या है, कि फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, अब ये आपको आसान तरीके से तो नहीं देंगे ना, दे नो कि आपको ये पता है कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, ठीक, तो अब आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से देंगे, ऐसा कौन सी चीज़ होती है जिसके पास प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस और आपके पास पेंटोज शुगर,
ऐसी कौन सी चीज़ है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, पायरीमिडीन है, प्यूरीन है, एडीनिन, क्या चीज़ है? ठीक है, तो अब आपको पता है सिर्फ दो चीज़ें प्रेजेंट है और फॉस्फोरिक एसिड एबसेंट है, सही है? तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है? न्यूक्लियोसाइड। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा दिस इज़ अ न्यूक्लियोसाइड नॉट न्यूक्लियोटाइड। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ तक होप सो एवरीवन सबको क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास दो चीज़ें होती है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, एक एमसीक्यू मुझे याद आ रहा है कि एमडी कैट के अंदर आया था कि जो एनएडी, ठीक है, ये एमसीक्यू आया था और मुझे अभी भी याद है, मेरे पेपर में आया था, एनएडी इज़ व्हाट, ठीक है, ये क्या है? इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। नंबर वन ऑप्शन था आपके पास कि इट इज़ अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, नंबर टू ऑप्शन था आपके पास इट इज़ अ डाई न्यूक्लियोटाइड, नंबर सी ऑप्शन था इट इज़ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए हमें क्या होता है, हमने पढ़ा एनएडी, अब आपको लग रहा है ये रिकॉल का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये लग रहा है, मुझे भी उस टाइम ये लगा कि देखिए दिस इज़ अ एनएडी एंड वी डोंट नो एनएडी इज़ मोनो डाई और पॉली, बिकॉज मुझे लगा मैं भूल गई हूँ व्हाट इज़ इट, मोनो इज़ ये मोनो है क्योंकि मुझे मोनो की एग्जांपल याद नहीं आ रही, ये डाई है या पॉली है आई डोंट रिमेंबर, ठीक है, एनएडी लिखा हुआ था ना उसमें तो आई डोंट रिमेंबर। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर इन्होंने एनएडी लिखा है ना, आपको इसकी एब्रीविएशन करनी है, ठीक है, एब्रीविएशन क्या बनेगी, पढ़े इसकी एब्रीविएशन क्या बनेगी, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इटसेल्फ इट इज़ टेलिंग इट इज़ डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसकी एब्रीविएशन बता रही, कितनी आसान है, अगर ये चाहते ना तो ये आपको आसान करके लिखते एंड निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट, बट दे डिडंट राइट लाइक दिस, इन्होंने क्या लिखा है एनएडी, ठीक है, क्योंकि दे नो के हर बच्चे को पता है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड लिखा है तो ऑफकोर्स इट इज़ डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा कन्फ्यूज करना है ना, ये हर चीज़ में आपको कन्फ्यूज करेंगे, बहुत आसान चीज़ होगी बट दे विल डू कि किसी तरह से बच्चा कन्फ्यूज हो जाए, तो ये आपको एनएडी की फॉर्म में लिख के देंगे और ये पेपर का एमसीक्यूज है, ठीक है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मेरा खुद का एमसीक्यूज है एनएडी इज़ व्हाट। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ इट, हमें तो याद नहीं आ रहा मोनो क्या है, डाई क्या है, पॉली क्या है, अगर आप इसकी एब्रीवेशन करोगे ना, कोई भी चीज़ इस तरह की अगर आपके पास आ रही है आपको याद नहीं आ रही ना, एब्रीवेशन करो इसकी, एब्रीवेशन करो कि इसकी एब्रीवेशन में पता चल रहा है इट्स अ डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो आपके पास सिंपल से करके ऐसे करोगे और आपका वन मार्क्स गेन, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ एनएडी इज व्हाट, इट्स अ डाई न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बाकी की जो एग्जांपल्स है वो भी लिख लें क्योंकि ये पेपर में एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। अच्छा, मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल आप लोग लिख लें, एटीपी, ठीक है, एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी भी होता है, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड। डाई की एग्जांपल मैंने अभी डिस्कस कर ली, इट इज़ एनएडी, सही है, इसके कोएंजाइम्स भी इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है, एनएडी आपके पास। इसके बाद भी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली की एग्जांपल में आता है, आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना वो सारे न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉली की एग्जांपल, यानी आपका जो जीन्स है वो भी सब क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने, ठीक है, तो पॉली के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड इज इटसेल्फ एन एग्जांपल ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, आपके पास डीएनए और आरएनए का डिफरेंस आप लोगों को बहुत ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। डीएनए क्या होता है आपको पता होना चाहिए, डीएनए इज़ अ डबल रिंग, आरएनए क्या होता है इज़ अ सिंगल रिंग, डीएनए के अंदर क्या होता है एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थायमिन, आरएनए में क्या होता है एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एंड यूरेसिल, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि शुगर कौन सा होता है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में कौन सा होता है राइबोस शुगर। आपके पास आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और एक बात याद रखिएगा डीएनए की कोई भी टाइप्स नहीं होती, ठीक है, बट आरएनए की तीन टाइप्स होती हैं, सही, डीएनए की कोई टाइप्स नहीं है, आरएनए हैव थ्री टाइप्स, व्हाट आर दे, दे आर एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, उनके फंक्शंस भी आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखवा रही हूँ वो लिख लीजिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है बट लेट मी राइट इट, इरेज करके फिर लिख लेती हूँ। आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट के अंदर ग्लाइकोलिपिड, कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं कि दो चीज़ें मिलके बना रहा होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब लिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड विल मेक ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड के अंदर एग्जाम दूसरा नाम आपको ये ग्लाइकोलिपिड करके नहीं देंगे, दे विल गिव यू सेरिब्रोसाइड, आपको बोलेंगे सेरिब्रोसाइड किससे मिलके बने, इसका कॉन्जुगेट क्या है, आपको सेरिब्रोसाइड देंगे, आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोलाइड का दूसरा नाम क्या होता है, सेरिब्रोसाइड, लिख लें, ठीक है। अब ये किससे मिलके बनता है, ऑफकोर्स कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। अब आपके पास इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन का एक और नाम होता है म्यूकोइड,
ठीक है, तो आपको ये म्यूकॉइड करके देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन करके नहीं देंगे, या आपका आसानी का ख्याल नहीं रखते तो आपको अपनी आसानी खुद ही करनी है। क्लियर है? कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन होगा यू गाइस हैव टू टेल मी। अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर, अच्छा आप लोग पहले की पॉइंट लिख लिया अमाइनो एसिड के बारे में। टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं हमारे पास? 20 होते हैं। ठीक है, टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 कैलोरी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी। जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो कि यू गाइस कैन आस्क मी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। इसके एग्जाम्पल्स, इसके जो एम सी क्यूज है ना, थोड़े बहुत वो मैं डिस्कस कर लूँगी इन दी एंड। अब आपके पास इंजाइम्स आ गए। आपको पता है इंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं, प्रोटीन इन नेचर्स होते हैं। अब ये हमारे पास किस साइंटिस्ट ने किया है? आपको साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए, विलहम कोनी है। ठीक है, लिख लें। और कब किया है? आपको इसके ईयर भी आना चाहिए, 1878। समटाइम पूछ लेते हैं। ठीक है, 1878 में। अब इसके कैरेक्टर्स क्या है इंजाइम्स के? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स आने चाहिए। स्पेसिफिक इन एक्शन है, आप बुक के अंदर देखें पेज नंबर, कैरेक्टर्स काइंड याद कीजिएगा। और एक और बात, आपका जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर पेज नंबर 27 आइएगा, वहाँ पर आपके पास लिखा होगा ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज। इसकी एग्जांपल्स याद करनी है बहुत अच्छे से, ये पेपर में आती है। ठीक है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज की एग्जांपल क्या है? पेंटोज, राइबोज, राइबुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? पेंटोज पेपर में आता है, बताएं। एर्थिलोज कहाँ, किसकी एग्जाम्पल है? तो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ टेट्रोज। ठीक है, ये पेपर में आती है, तो ये आपने याद करनी है। इंजाइम्स के अंदर आपने इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से याद करनी है, और ठीक है, कैरेक्टर्स अच्छे से याद करना है। कैरेक्टर्स के अंदर सब कुछ आएगा, सब कुछ। ठीक है, एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, एक्जो इंजाइम्स क्या होते हैं, एंडो इंजाइम्स क्या होते हैं, सब कुछ याद करना है। ठीक है, कैरेक्टर्स मैं नहीं करवा रही क्योंकि ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। फर्दर ऑन मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ इंजाइम्स। आपके पास कितने टाइप्स के इंजाइम्स हैं? टाइप्स ऑफ इंजाइम्स सारे करने हैं। मैं आप आई थिंक मैंने इसके बनाए थे। अच्छा, टाइप्स ऑफ इंजाइम मैं आपको थोड़ा सा करा देती हूँ, एक ब्रीफ रिव्यू देती हूँ कि बच्चों के पास जो बने हुए ना, वो थोड़े से अनइम्पॉर्टेंट टाइप बने हुए हैं। आपके पास देखिए होलो इंजाइम होता है। बेसिकली क्या होता है? फुल इंजाइम, टोटल इंजाइम को कहते हैं होलो इंजाइम। ठीक है, ये हमारे पास दो कैटेगरीज में होता है। ठीक है, होलो इंजाइम, बात सुने बात सुने नाइला। अच्छा, आपके पास क्या होता है? होलो इंजाइम्स होते हैं। आपके पास जो होलो इंजाइम्स होती है ना, इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है दो टाइप्स के अंदर। ठीक है, होलो इंजाइम्स क्या होते हैं? कंप्लीट इंजाइम इज कॉल्ड एज होलो इंजाइम। इसको दो में कैटेगराइज किया जाता है, एक होता है एपो इंजाइम, सही। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एपो इंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्लीज़ ये ऐसे ही बना लीजिएगा, ये बच्चों को नहीं पता होता, इवन तो बुक में भी ये नहीं लिखा हुआ। ये फेडरल की लाइन्स हैं जो कि पेपर में आता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से एक बात पर चल गई कि होलो इंजाइम्स के अंदर दोनों चीज़ होती है। ठीक है, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट बोथ। एपो इंजाइम्स क्या होता है? इट इज़ अ प्रोटीन पार्ट। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? इट इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक, अब आपके पास फर्दर, आपके पास जो फर्दर प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, इसकी फर्दर दो टाइप्स आती हैं, को फैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप की फर्दर दो टाइप्स हैं, को फैक्टर एंड को इंजाइम। इसको लिखे को फैक्टर, को फैक्टर और को इंजाइम। ठीक है, अब आपने, आपको कैसे पता? को फैक्टर पे ना एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक। अब आपको एक रटा बता रही जो कि मैंने अपने लिए याद किया हुआ था। देखिए, को इंजाइम में पहले से इन का वर्ड आ रहा है, राइट, इसका मतलब है ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, एवरी को इंजाइम इज ऑर्गेनिक एंड एवरी को फैक्टर, बिकॉज को फैक्टर डोंट हैव द इन वर्ड, राइट, तो एवरी को फैक्टर इज ऑर्गेनिक। ठीक, सॉरी इनऑर्गेनिक, एवरी को फैक्टर इज इनऑर्गेनिक बिकॉज इसके पास इन का वर्ड नहीं है, लेकिन इसके पास इन का वर्ड है, तो इट इज़ ऑर्गेनिक। ठीक है, अब आपके पास को फैक्टर्स लिख लिया आप लोग, फॉस्फोराइलेज, कार्बोक्साइलेज, ये सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक हैं। फैन चला दें। ठीक है, फॉस्फोराइलेज, कार्बोक्साइलेज, पेप्टाइडेज, अमाइडेज, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? दे आर द एग्जांपल ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, अब आपके पास कोइंजाइम्स आते हैं। कोइंजाइम्स की एग्जांपल्स कौन सी है ये भी लिखें, एनएडी, एटीपी, एनएडीपी, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ कोइंजाइम, यानी कौन सा ग्रुप है ये? ऑर्गेनिक, क्योंकि इसके पास पहले से ही इनका ग्रुप है, तो इट इज़ अ ऑर्गेनिक। ठीक है,
इसके पास मोड ऑफ एक्शंस आते हैं, वो आपने पढ़ने हैं अच्छे से, मैं आपको नहीं करवा रही क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। लॉक एंड क्यू थ्योरी किसने लिखी है, इंड्यूस फिट मॉडल ने, ठीक है, दूसरी किसने लिखी है, फिस्टर ने लिखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए सारा कुछ। मैं सिर्फ रिकॉल की और इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रही जो कि आपके उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके पास ना पीएच और टेम्परेचर, तो आपने टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, तो मैं आपको वो लिखवा देती हूँ। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ लिख लें कि आपके पास जब आपके पास जो है ना ज़ीरो होता है ना, तो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे एक्टिविटी कैसी होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे एक्टिविटी क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। और आपके पास हाई, सही है, और जब 37 होता है तो हाईली एक्टिव कब होते हैं, 37 डिग्री, ये पेपर पे आता है, ठीक है। हाईली एक्टिव इज़ एट 37 डिग्री सेल्सियस। और डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का जब भी वर्ड आएगा ना तो आपको पता होना चाहिए इट्स 100 डिग्री सेल्सियस, नॉट अ ज़ीरो, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ठीक। 0 डिग्री सेल्सियस में मिनिमम है, 37 में ये हाई है, और 100 में ये डिस्ट्रॉयड है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अच्छा, आपके पास पीएच, आपके कुछ स्पेसिफिक पीएच लिखे, जैसे पेप्सिन का लिखा हुआ है 1.4, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेप्सिन का 1.4 है, सक्रेस का, बहुत सारे हैं, तो सिर्फ आप पेप्सिन का याद कर लें, और पेप्सिन का याद करें और इंट्रोकाइनेज का याद करें 5.5, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है वाटर के साथ क्या है, रेडिएशन क्या है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यू नो दैट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो एंजाइम का चैप्टर है वो कम्प्लीट होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग एंजाइम चैप्टर, यू गाइस कैन आस्क मी, मैंने चैट बॉक्स ओपन रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं चैप्टर सेल। चैप्टर सेल ऐसा चैप्टर है ना कि मैं कहती हूँ आपको पानी की तरह आना चाहिए ये चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सबके ऑर्गेनल्स के फंक्शंस, ठीक है, ऑर्गेनल्स के फंक्शंस और एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। मैं आपको पॉइंटर्स की फॉर्म में कराऊंगी, काइंडली एवरीवन यू नीड टू बी डूइंग द पॉइंटर्स की फॉर्म में, ठीक है। सेल चैप्टर की हेडिंग डाल लें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल का वर्ड किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक, आपके पास दो वर्ड है, एक रॉबर्ट ब्राउन है और रॉबर्ट हुक है, तो आपने कैसे याद करना है, एक बात याद रखिएगा, देखिए न्यूक्लियस में एन आर है ना, ठीक है, न्यूक्लियस में एन आर है, तो रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन में भी एन आर है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस जो है ना वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है, ना कि रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल किया था, कब किया था, 1665 पे किया था। क्लियर है यहाँ तक बात। सेल किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस किया था। अब आपके पास टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप आना चाहिए। सेल चैप्टर ऐसा है ना, अगर आपके पास कुछ चैप्टर्स के इसमें लिखा हुआ है ना कि ये चैप्टर ये टॉपिक करना है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना, पूरा करना है, सब कुछ करना है। सेल का चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट एवरी वन आउट देयर टू कम्प्लीट सेल का चैप्टर, पूरा करना है, ठीक है। सेल थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, सेल थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, अच्छा आपके पास ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, तीन है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, तीन है, एक होती है मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन, कंट्रास्ट, इन तीनों में डिफरेंस आना चाहिए, सबको आना चाहिए, सही है। इसके बाद वी हैव टाइप्स ऑफ सेल आपके पास, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट, ठीक है। प्रो का मतलब होता है डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, नॉट ट्रू न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं, कौन से एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोट्स की एग्जाम्पल लिखिएगा बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स की एग्जाम्पल लिखिएगा एवरी एनिमल लाइक एक्सेप्ट द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, दे आर ओनली यूनिसेलुलर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, जबकि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, दे आर मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर एग्जांपल में क्या आता है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इनके अलावा और कोई भी ऐसे नहीं जिनके पास जो कि प्रोकैरियोट्स हो, ठीक है। यूकैरियोट्स के एक्सेप्ट बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, दूसरे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि प्रो और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर होती है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है।
देर इज़ नो डिफरेंस इन द जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, जेनेटिक मटीरियल चाहे न्यूक्लियस होना हो बट जेनेटिक मटीरियल इज प्रेजेंट इन एवरी वन. क्लियर है यहाँ तक बात? अब बात कर लेते हैं सेल वॉल की. सेल वॉल आपको अच्छे से पता होना चाहिए. मिडल लैमेला क्या होता है? मिडल लैमेला इज रिच इन पेक्टिन. सीमेंटिंग लेयर पेपर में पूछा था व्हाट इज अ सीमेंटिंग लेयर. ठीक है, सीमेंटिंग लेयर कौन सी होती है? मिडल लैमेला को कहते हैं. ठीक है, सीमेंटिंग लेयर क्या होता है? मिडल लैमेला को कहते हैं सीमेंटिंग लेयर. फंक्शंस ऑफ सेल पूछे जाते हैं. सेल वॉल के सारे फंक्शन आने चाहिए अच्छे से. सेल मेम्ब्रेन, अच्छा आपके पास जो है ना सेल मेम्ब्रेन के कुछ नाम है, आपको उस नाम से भी ये दे सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं. प्लाज्मोलीमा इसको लिख लें, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलीमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये सब किसके नाम है? सेल मेम्ब्रेन के नाम है. किसके नाम है ये? सेल मेम्ब्रेन के नाम है. अब आपके पास याद रखिएगा, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दो लेयर्स होती है. कौन सी होती है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स होती हैं. अब इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर दो एंड्स होते हैं. ठीक है, देयर इज अ टू एंड्स, दो एंड्स होते हैं. एक होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक. ठीक है, दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक. फिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग एंड फोबिक का मतलब होता है वाटर हेट. ठीक है, आपके पास दो होते हैं. हाइड्रोफोबिक क्या होता है? वाटर लविंग, सॉरी फोबिया होता है ना, कहते नफरत है. तो हाइड्रोफोबिक इस आपको हेट है किसी चीज़ से. और हाइड्रोफिलिक क्या होता है? लविंग. ठीक है, अच्छा इसके अलावा अच्छा यहाँ तक बात क्लियर है सबको. अच्छा आपके पास प्रोटीन्स दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक का नाम होता है, नाम दूसरे याद रखने. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम क्या होता है? पेरिफेरल प्रोटीन. ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन. इंट्रिंसिक का क्या नाम होता है? इंट्रिंसिक को इंट्रिंसिक ही कहते हैं या फिर इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं. इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन. अब आपके पास ट्रांसपोर्ट आता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ये मैं चार्ट बनवा रही हूँ चार्ट के फॉर्म में, तो everyone need to write it ताकि सबको आसानी हो. ठीक है, ये चार्ट के फॉर्म में बना रही हूँ, सब प्लीज़ ये चार्ट बना लीजिएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांटिंग पार्ट के अंदर भी ये बहुत आता है. ठीक है, आपके पास क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं. एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसके अंदर आपको ATP चाहिए होता है. ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखिए ATP इज़ रिक्वायर्ड. दो टाइप्स, एक एक्टिव और एक पैसिव. एक्टिव में क्या होता है? आपके पास ATP चाहिए होता है. पैसिव की दो टाइप्स होती है, जिसके अंदर ATP नहीं चाहिए होता. ठीक है, और पैसिव में क्या होता है? हाई से लो मूव करता है. ठीक है, हाई टू लो, H मीन्स हाई टू लो. और एक्टिव में क्या होता है? लो से हाई की तरफ मूव करता है. अब एक्टिव की दो टाइप्स है, पैसिव की भी दो टाइप्स है. पैसिव की जो दो टाइप्स है उसका नाम है डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस. ठीक है, एक्टिव की कौन सी पार्ट है? एक्टिव के दो पार्ट्स होते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, ये एंडो एंड एक्सो. ठीक है, आपके पास याद रखिएगा पैसिव की दो टाइप्स है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ठीक है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. और एक्टिव की कौन सी है? एंडो और एक्सो. अब डिफ्यूजन क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन भी क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर. ऑफकोर्स ये हाई टू लो है ना, तो डिफ्यूजन भी हाई टू लो होगा. और आपके पास जो ऑस्मोसिस है वो भी हाई टू लो होगा, क्योंकि ये उसका पार्ट है. लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये जो ऑस्मोसिस होता है ना, ये बात याद रखिएगा, ये सेमी परमिएबल होता है. ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है. लेकिन जो ये होता है ना, ये विदाउट सेमी परमिएबल, इसको लिख ले, ये आपको बुक में भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है, विदाउट सेमी पर, ये डिफरेंस है. ठीक है, यानी परमिएबल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है. ये क्या होती है? सेमी. और ये क्या होता है? विदाउट सेमी परमिएबल. क्लियर है यहाँ तक बात? अब अगर हम बात करते हैं एंडो और एक्सो की, तो जो आपके पास एक्सो और एंडो है ना, तो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस की फर्दर, एंडो क्या होता है? अंदर आना. ठीक है, कोई भी चीज़ का इनसाइड मूव करना. एक्सो होता है बाहर जाना. ठीक है, जब कोई चीज़ अंदर आएगी वो दो टाइप्स की हो सकती है, या तो वो फूड होगा या तो वो पानी होगा. ठीक है, या तो वो खाना होगा या तो वो पानी होगा. अब इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं एंडो की. क्या होती है? फेगोसाइटोसिस एंड फेगो और पिनो. पिनो क्या होता है और फेगो क्या होता है? फेगो होता है फूड का आना, पिनो मतलब पानी. ठीक है, पिनो से तो वर्ड भी बता रहा है, पीना इज लाइक वाटर, राइट? ठीक है, तो इट्स अ पिनोसाइटोसिस, मतलब पानी इनसाइड आ रहा है, और फेगोसाइटोसिस मतलब फूड आ रहा है. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन किसी को तो बता दे. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ
एवरीथिंग इज क्लियर, सो काइंडली राइट येस. चैट बॉक्स इज ओपन, यू गाइज कैन राइट. सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, आगे मूव ऑन करूँ? ये जो मैंने चार्ट बनाया ना, इसको बना लीजिएगा एज इट इज, ठीक है? मुझे लगता है सब राइटिंग में ही लगे हुए होंगे. क्लियर है? अच्छा, आपके पास जो है ना न्यूक्लियस की बात करते, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया था. इसको एक और कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है? न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ सेल है. ब्रेन कौन होता है? न्यूक्लियस है, ठीक. पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. ये चीज़ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस, न्यूक्लियस इज अ ब्रेन, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है? तो ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो वी हैव अ फोर टाइप्स, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटा, एक्रोसेंट्रिक. ये सारा कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए. व्हाट इज मेटासेंट्रिक? जब आपके पास दोनों की स्ट्रेट जो सेंट्रोमेयर्स है, दोनों सेम साइज की अटैच होती हैं, ठीक है? ये पूरा आपको पता होना चाहिए. मैंने बता दी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज वेरी ईजी. आप लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कर लीजिएगा, ये टॉपिक नोट डाउन कर लें बुक के पेज नंबर, बुक में लिखा हुआ है, आप टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम नोट डाउन कर लें कि ये टॉपिक करना है, ठीक है? जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ और मैं करवा नहीं रही ना, तो उसको नोट डाउन कर लें. इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट वाले हैं, ठीक है? टाइम टेकिंग है, और मैं टाइम टेकिंग चीज़ें नहीं करवा रही, ऊपर से आपको रिविजन करवा रही हूँ. मैक्सिमम चीज़ें जो कि आप रिवाइज कर सके, जो आपको खुद नज़र नहीं आती है, वो चीज़ें करवा रही हूँ मैं, ठीक है? आपको पता है कि क्रोमोसोम कैसे बनता है, ठीक है? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? दो क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, ठीक है? क्रोमोसोम में क्या होते हैं, याद रखिएगा, दो क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड ये हो गया, दूसरा क्रोमैटिड ये हो गया. तो ये लिखे क्रोमोसोम इज अटैच विद सेंट्रोमेयर बाय टू क्रोमैटिड्स, ठीक है? क्रोमोसोम क्या होता है? दो क्रोमैटिड होते हैं उसके अंदर, जो किससे अटैच होते हैं? सेंट्रोमेयर. सेंट्रोमेयर के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? काइनेटोकोर. ये बात भी याद रखनी है, ठीक है? सेंट्रोमेयर हैव द प्रोटीन कॉल्ड काइनेटोकोर. ये क्या होता है? एक स्मॉल टाइप का एक प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर के अंदर, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अब एक और क्वेश्चन आपके पास पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ, हमारे पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम होता है सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर, ठीक है? आपके पास पूछा जाता है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है सेमी ऑटोनॉमस. लिखे सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया. सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है ना, वो सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर होता है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आधा इटसेल्फ एक सेल होता है, ठीक है? जो कि अपने सारे काम कर रहा होता है. अब एक और बात लिखिएगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है इसके? क्रिस्टाए, ठीक है? क्या होते हैं? क्रिस्टाए. इसको लिखिए, इनर में क्या होता है? क्रिस्टाए. इसको क्रिस्टी भी कहते हैं, क्रिस्टाई भी कहते हैं, डिपेंड, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? क्रिस्टी. अब उस क्रिस्टी के अंदर क्या होते हैं? इंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन. इसके आगे लिखे ऑक्सीडेशन, ठीक है? इंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन. किसके करते हैं? स्टार्च के करते हैं, फैटी एसिड के करते हैं, अमाइनो एसिड के करते हैं. किसके ऑक्सीडेशन? स्टार्च, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड. काइंडली इसको लिख लें, स्टार्च, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड के क्या करते हैं ये? क्रिस्टी क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है. किसकी? स्टार्च, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको सब क्लियर है? काइंडली मुझे चैट बॉक्स पे लिखकर बताएं, एवरीथिंग इज क्लियर? सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? ऑल राइट, ठीक है. अब आगे मूव कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है. अच्छा, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का ये भी पूछते हैं, इनको क्या कहते हैं? इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल. इसे लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं नेक्स्ट आपके पास एक और पीडीएफ है, वो खोलने लगी हूँ. उसके अंदर वी हैव सम अदर थिंग्स. इससे पहले कुछ चीज़ें लिखवा रही हूँ, उसको लिख लें. आपको पता है प्लास्टिड है, ठीक है? प्लास्टिड क्या होता है? एक डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल है, ठीक है? प्लास्टिड इज़ अ डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल, ठीक है? अब प्लास्टिड की कुछ बातें जो मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ. ठीक है, प्लास्टिड की क्या बातें हैं? हमारे पास प्लास्टिड की टाइप्स होती हैं, ठीक है? आपके पास कितनी टाइप्स हैं प्लास्टिड की? तीन टाइप्स हैं. एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है लीकोप्लास्ट, ठीक है?
अब आपको ये पता होना चाहिए जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये भी आपके पास सेमी ऑटोनॉमस है, ठीक है। पेपर में आता है, एमसीक्यूज बिल्कुल ऐसे बन के आता है कि आपके पास कौन कौन सेमी ऑटोनॉमस है। अगर आपके पास प्लास्टिड का ऑप्शन होता है तो प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनॉमस है, ठीक है। अगर प्लास्टिड का ऑप्शन नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट का ऑप्शन है, तो क्लोरोप्लास्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर प्लास्टिड भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो तीनों ही है सेमी ऑटोनॉमस है, ठीक है। और अगर आपके पास, क्योंकि बीसीक्यू बन के आता, अगर आपके पास तीनों ऑप्शंस प्रेजेंट हैं और उसके अंदर से आपके पास ये बोला हुआ है ए एंड सी, ए क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्या है क्लोरोप्लास्ट, तो दिस इज़ द बेस्ट, ए एंड सी इज़ द बेस्ट वन। बीसीक्यू क्या होता है, विच वन इज़ गुड, तो ए एंड सी इज़ द बेस्ट वन। इस सिचुएशन में आपने ए एंड सी लगाना है, ठीक है। यानी आपके पास क्लोरोप्लास्ट एंड अदर वन इज़ व्हाट, क्लोरोप्लास्ट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड आरएनए, दैट्स व्हाई दे आर सेमी ऑटोनॉमस, दे डोंट नीड समवनस हेल्प, आधे खुद सेल होते हैं ये लोग, ठीक है। तो क्लोरोफिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनॉमस, ये पॉइंट लिख ले प्लीज। अच्छा, आपके पास मैं बात करती क्लोरोप्लास्ट की, तो ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट किस में होता है, प्रेजेंट किस में होता है, ये चीज़ लिख लें। इंसेक्ट्स वगैरह जो है इसको अट्रैक्ट करते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, उनको कहते हैं जेंथोफिल एंड कैरोटीन। इधर मेरे पास लिखने की जगह नहीं है, आप लोग लिख लें जेंथोफिल एंड कैरोटीन, ठीक है, जेंथोफिल एंड कैरोटीन, ठीक है। आपके पास जो लिकोप्लास्ट होते हैं ना, इनको कहते हैं, ये स्टोरेज करते हैं फूड की, ठीक है, स्टोरेज करते हैं फूड की, और ये रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट्स के अंदर, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसको लिख लें, क्लियर है। अच्छा, एक और पॉइंट लिखिएगा, एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ तक सबने लिख लिया। एक और बात लिखिएगा, लाइसोजोम आपको पता है दे आर द सिंगल मेम्ब्रेन, लिखे लाइसोजोम, पॉइंटर बनाए, लिखे लाइसोजोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, दे आर द सिंगल मेम्ब्रेन एंड दे आर कॉल्ड एज द सेल्स गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। जैसे हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस। उसके बाद आपके पास लाइसोजोम्स क्या होते हैं, सेल गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, क्लियर है यहाँ तक, सेल गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम इज कॉल्ड एज लाइसोजोम्स, इसको लिख लें। आपके पास लाइसोजोम कहाँ हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द डाइजेशन, ये भी पता होना चाहिए, दे हेल्प इन द डाइजेशन। अच्छा, एक और पॉइंटर्स आपको लिखवा रही हूँ, दे आर वेरी बेसिक बट स्टिल आई एम राइटिंग, ताकि जिसे नहीं पता वो भी ये चीज़ कवर अप कर ले। मैं मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें लिखवा रही हूँ, अगर कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया ना तो ये मैं सेव कर लूँगी, कोशिश करूँगी सेव कर लूँ, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी अच्छे नोट्स बना रहे हैं प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मेरे पास नोट्स बने हुए आ जाए, बिकॉज मैं लिखवा तो रही हूँ बट मेरे पास एक सीक्वेंस से नोट्स बने हुए नहीं है, तो आई वॉन्ट समवन के मुझे कोई नोट्स भेज दे, ताकि अगले जिसने नहीं किसी की हेल्प हो सके, ठीक है। अच्छा, मैं आपको लिखवा रही थी अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आप याद रखिएगा, पेपर में एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करती है, ये पेपर में बहुत आता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आता है कि ऐसा, लिखे क्वेश्चन लिखे, विच एक्सटेंड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच ऑर्गेनेल, ठीक है, विच ऑर्गेनेल एक्सटेंड फ्रॉम द, ठीक है, ये क्वेश्चन ये लिख ले, विच ऑर्गेनेल एक्सटेंड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो कौन सा ऑर्गेनेल होता है, इट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच एक्सटेंड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसकी दो टाइप्स होती है, एक होता है स्मूथ, एस आर मतलब स्मूथ स्मूथ, और दूसरा होता है रफ, आर ई आर, ठीक है, एस सी आर एंड आर ई आर, ये दो टाइप्स का होते हैं। और आपके पास दोनों टाइप्स में से इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसके अंदर राइबोसोम अटैच होता है, राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन, ये बात याद रखिएगा, राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। तो आर ई आर क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम लगा हुआ है, ये रफ है, आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस सी आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एस सी आर क्या करेगा, इट्स अ स्मूथ, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास बहुत सारे काम करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर करवाता है, ठीक है, स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल भी आपके पास क्या होते हैं, इसमें लिख लें, मेरे पास इतना टाइम जगह नहीं है लिखने का, तो आप जगह बना के लिख लें, स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल क्या होते हैं, एस सी आर होते हैं, दे आर एस सी आर क्या है, स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल है।
उसके बाद आपके पास स्टेरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल कौन से होते हैं, फैट सेल्स, ग्लाइकोजन, सही है। इसके अलावा ये जो है हमारे पास डिफरेंट मतलब प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और रफ़ किसके अंदर होते हैं, पैनक्रियाज में होते हैं, ये रफ़ भी प्लीज़ लिख लीजिएगा, सच एज पैनक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। ये कहाँ पर ज़्यादातर करते हैं काम, पैनक्रियाज में करते हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है, पैनक्रियाज में एंड सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आपके पास एक और बात याद रखिएगा कि जो गॉल्जी एपरेटस होता है ना, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज डिक्टाइजोम, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, गॉल्जी एपरेटस इज आल्सो कॉल्ड एज गॉल्जी एपरेटस इज कॉल्ड एज गॉल्जी एपरेटस इज कॉल्ड एज डिक्टायोसोम, ठीक है, डिक्टायोसोम ये इसका दूसरा नाम है। क्लियर है यहाँ तक? लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। पेरोक्सिसोम का क्या फंक्शन है, इसको लिख लिए पॉइंट्स बना के, कि पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो सिर्फ यूकेरियोट्स के अंदर होते हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, दे आर द सिंगल मेम्ब्रेन, यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड अदर यानी मेटाबॉलिज्म किसका फंक्शन है, पेरोक्सिसोम, ठीक है, इसको लिख लें। पेरोक्सिसोम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैटी एसिड। नेक्स्ट पॉइंटर बनाया उसमें लिखे ग्लाइओक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम क्या होते हैं, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द स्पेशलाइज पेरोक्सिसोम। तो जब भी बात करते हैं ना स्पेशलाइज पेरोक्सिसोम की, तो दिस इज स्पेशलाइज पेरोक्सिसोम क्या होता है, ग्लाइओक्सिसोम इज अ स्पेशलाइज पेरोक्सिसोम। एंड व्हाट इज अ स्पेशलाइज पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम जिस किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है और ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन इनका फंक्शन है, ब्रेक डाउन इनका फंक्शन है। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, मैं नेक्स्ट वर्कशीट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक तो डू लेट मी नो अबाउट इट, चैट बॉक्स मैंने ऑन कर लिया जब तक मैं दूसरी वर्कशीट शेयर कर रही हूँ और हम लोग आगे मूव ऑन करने लगे और कुछ एमसीक्यूज उसके अंदर है वो हम शेयर करेंगे।
सो के आप लोग ने पहले वाला सारा नोट डाउन कर लिया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो ये स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम मैं सेव कर लूँगी ताकि आप लोग वो सब कन्फ्यूजन वगैरह क्लियर कर लें। बेसिकली मैंने 5 मिनट का पॉज लिया था, मैं PDF ओपन करी थी दूसरी। खैर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट अगैन। अच्छा आपके पास हम लोग बात कर, मैंने कुछ MCQs शेयर किए आपके साथ यहाँ पर ताकि जो ना MCQs को डिस्कस कर सकें। मैम प्लीज़ पेरोक्सिज़ोम वाला टॉपिक रिपीट करें। ओके अच्छा मैंने आपको बोला था पेरोक्सिज़ोम इज़ अ सिंगल बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है, इट्स अ सिंगल बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक, इसके अलावा इसको मैंने बताया था ये हर यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, सिंगल बॉन्ड यूकेरियोटिक सेल आल्सो, इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड एंड मैनी अदर मेटाबॉल, यानी फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है। ठीक है रिपीट कर दिया मैंने, ये क्या करता है, हमारे पास फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म वगैरह करता है। ठीक है ग्लाइकोलाइसिस क्या करता है, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है, सही कह रहे हैं यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट MCQs। आपके पास पहला क्वेश्चन है MCQs है न्यूक्लिक एसिड ऑफ यूनिट कॉल्ड डैश। अब मुझे बताएं कि न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनते हैं काइंडली क्विकली। आपके पास 3 ऑप्शन है अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और सिट्रिक एसिड। आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, काइंडली डू लेट मी नो अबाउट इट। न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं, आप इसको भी पॉइंटर की फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बन रहे होते हैं, बी वेरी गुड। ठीक है न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। टिपिकली न्यूक्लियोटाइड इज कम्पोज ऑफ 3 कॉम्पोनेंट्स, राइट। ठीक है कितने कॉम्पोनेंट्स, 3 कॉम्पोनेंट्स या 4 कॉम्पोनेंट्स, डू लेट मी नो। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कितने कॉम्पोनेंट से मिलकर बनता है, 3 या 2। न्यूक्लियोटाइड, वेरी गुड वेरी गुड एवरी वन, वेरी गुड 3 फैक्टर्स। ठीक है 3 कॉम्पोनेंट्स कौन से, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस, या 3 कॉम्पोनेंट्स पता होने चाहिए। पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख दीजिएगा, MCQs की फॉर्म में नहीं लिखे, वेरी गुड। अच्छा फंक्शन ऑफ tRNA, tRNA क्या करते हैं बेसिकली, टी से पता चल रहा है ट्रांसफर, राइट। क्या करेगा, जेनेटिक मटीरियल को DNA से राइबोसोम की तरफ लेके जाएगा, या क्या करेगा ये, ट्रांसफर देम टू राइबोसोम्स और। ठीक है तो tRNA का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर करना। ठीक है तो कौन सा वाला होगा, ट्रांसफर देम टू राइबोसोम्स। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज एडेनिन, एडेनिन क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं एडेनिन क्या होगा, सिंगल है या डबल है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। एडेनिन इज अ सिंगल और अ डबल, आई वॉन्ट आंसर। एडेनिन इज अ सिंगल और अ डबल, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप पीछे जाएं और देखें और मुझे बताएं। एडेनिन इज अ सिंगल और डबल, क्योंकि मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है एडेनिन इज अ सिंगल, करेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर एंजाइम्स जो कि हम पहले, इसकी जस्ट हम MCQs शेयर करें। ठीक है लॉक एंड की थ्योरी किसने बताई थी, जल्दी जल्दी बताएं, लॉक एंड क्यू थ्योरी किसने बताई थी, लॉक एंड की थ्योरी किसने बताई थी, वेरी गुड। ठीक है लॉक एंड की थ्योरी किसने बताई थी, सोच समझ के बताएं, आधे बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, आधे कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है फिस्चर ने बताई थी, कौन सा है, सी ऑप्शन है। जो आप लोग कह रहे हैं ना कोस्टलैंड, आप लोग ये कैसे बोल सकते हैं, आपको पता है बी वाला जो है वो तो एंजाइम्स को ईजाद करने वाला बंदा था, ठीक है विलहम कोनी। जो फिस्चर है उसने क्या किया, लॉक एंड की थ्योरी को वो किया था, ठीक है मतलब बताया था। और जो कोस्टलैंड है उसने इंड्यूस फिट मॉडल बताया था, इसके आगे फौरन लिख लें ये चीज़। ठीक है कोस्टलैंड ने क्या बताया था, ये चीज़ लिख लिया, देखिए अभी आपने मिक्स कर ली, इंड्यूस फिट मॉडल बताया था, इंड्यूस फिट मॉडल, फिस्टर ने बताया था लॉक एंड की थ्योरी, विलहेलम ने बताया था एंजाइम्स के बारे में। ये 3 नाम है एंजाइम्स के चैप्टर के अंदर और ये लिख लें, क्लियर है। ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा, जल्दी बताएं, ऑप्टिमम
टेम्परेचर इजी पीजी 37, ठीक है, इसको लिख लीजिए, हम लिख चुके हैं पहले। पेप्सिन की ऑप्टिमम वैल्यू मैंने आपसे कहा था लिखिएगा, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ पेप्सिन, यहाँ पर नहीं लिखी हुई सही से, मैं लिख देती हूँ, वेरी गुड 1.4, ठीक है, यहाँ पे इस ऑप्शन नहीं लिखा हुआ बट यू नो दिस इट्स 1.4। अच्छा, आपके पास ना फीडबैक्स बहुत आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आते हैं। ये बताइएगा द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे टर्न ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, ये क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव मतलब इन्हेंस करना, ठीक है, यानी सेम इफेक्ट जा रहा है, अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो हर चीज़ इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, जबकि नेगेटिव का मतलब होता है अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये कह रहे ऑपोजिट है, ये क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वेरी गुड, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है इन्हेंसमेंट, ये आप लोग लिख लें, पॉजिटिव मीन्स इन्हेंसमेंट, नेगेटिव मीन, व्हाट डज नेगेटिव मीन, वेरी गुड, नेगेटिव मीन आपके पास ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी अगर आपके पास इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है या अगर आपके पास शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो अगर आप इंसुलिन दोगे तो उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव। जबकि पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, अगर जैसे कि बेबी बर्थ के ड्यूरिंग क्या होता है, पॉजिटिव है ये, यानी आपको पेन हो रहा होता है तो आपका पेन इंक्रीज होता है, क्यों होता है, ताकि ये एक होम्योस्टेसिस का ही होता है, ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, पॉजिटिव फीडबैक में आ जाता है। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन है, मैग्नीशियम Mg+2 इज इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर ऑफ व्हाट, क्विकली टेल मी, मैग्नीशियम किसका होता है एक्टिवेटर, मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट, वेरी गुड, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। जिंक किसका है, जिंक किसका है, बी वेरी क्विक, जिंक किसका है, सॉरी मैग्नीशियम आपके पास फॉस्फेटेज का है और जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेट का, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ बट यहाँ पे गलत है, जिंक क्या है हमारे पास, ये मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, कार्बोनिक एनहाइड्रेट और मैग्नीशियम किसका होता है, फॉस्फेटेज का होता है, ठीक है, फॉस्फेटेज, मैग्नीशियम फॉस्फेटेज का एंजाइम एक्टिवेटर है और जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेट, इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा कहीं पे पॉइंटर्स बना के। अब सेल की चैप्टर के अंदर आते हैं, द रैपिड एक्सचेंज फॉर द कैरियर प्रोटीन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन, द रैपिड एक्सचेंज फॉर द कैरियर प्रोटीन क्या होगा, आप एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर भी आप वर्ड कैरियर देखें ना, जहाँ पर भी आप वर्ड कैरियर देखें ना, इस कैरियर का क्या मतलब होता है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, व्हाट डज कैरियर मीन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, कैरियर मीन फैसिलेटेड डिफ्यूजन, क्लियर है, कैरियर का क्या मतलब है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, जहाँ पर भी वर्ड कैरियर आ जाएगा तो आप समझ जाएगा इट्स अ फैसिलेटेड डिफ्यूजन। अब अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या होता है हमारे पास, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल टाइप्स आर डिटरमाइंड बाय देयर फॉस्फोलिपिड्स, सही है, डिटरमाइंड बाय देयर फॉस्फो, उसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास, फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में क्या होते हैं, आपको पता है ना, आपको याद होगा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन मैंने आपको कहा था, तो हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हेड रीजन इज अ हाइड्रोफोबिक, ये फोबिक होता है, सॉरी ठीक है, हेड रीजन इज अ हाइड्रोफिलिक एंड टेल रीजन इज अ हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये फोबिक होता है, ये फिलिक होता है, पहले आने देता है एंड देन रोक देता है, तो ये हेड रीजन है, एक हेड रीजन होता है वो पोलर होता है, ठीक है, दिस इज अ पोलर, जबकि टेल रीजन कैसा होता है, टेल रीजन कैसा होता है इसका, नॉन पोलर होता है, ये चीज़ लिख लें प्लीज़, दोबारा से बता देती हूँ ताकि इस चीज़ समझ आ जाए आपको, आपके पास दो होती हैं चीज़ें, एक होती है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक, वन पोलर वन नॉन पोलर होता है, हेड इज़ ऑलवेज अ पोलर, ठीक है, हेड इज़ ऑलवेज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, ये फिलिक होती है, ठीक है, जबकि आपकी बात करते हैं अगर नॉन पोलर की यानी टेल की, टेल इज़ ऑलवेज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, इसको लिख लें प्लीज़, क्लियर है,
सोडियम पोटेशियम पंप इज एसोसिएट विद, सोडियम पोटेशियम पंप किससे एसोसिएट होती है, तो इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यानी आपके पास लो से हाई जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप किसके एग्जांपल में आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जस्ट लिखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू सोडियम पोटेशियम पंप, बिल्कुल सही, हेड पोलर टेल नॉन पोलर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनता है, एनीवन प्लीज, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनता है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सबसे मिलकर बन रहा होता है, किस किस से, लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से भी बनता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन तो होता है बट कार्बोहाइड्रेट का कुछ मॉलिक्यूल्स भी होता है, ठीक है, लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से क्या बन रहा होता है, सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू पापा। ठीक है, लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से क्या बन रहा होता है, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द फ्लूइड मोज़ेक, ठीक है, प्रोटीन्स किसके अंदर होते हैं, फ्लूइड मोज़ेक्स में होते हैं। जब भी बात करते हैं ना एम्बेडेड वगैरह की, कोई भी चीज़ एम्बेड हुई हुई है ना, अगर कोई भी चीज़ एम्बेड होती है इसका क्या मतलब होता है, ये क्या होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर बिल्कुल जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का होगा, लिपिड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भी पार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन्स किसके अंदर एम्बेड होते हैं, फ्लूइड मोज़ेक के अंदर होते हैं। योर एफर्ट्स आर प्राइसलेस मैम, थैंक यू सो मच, आई वॉन्ट रिजल्ट एनली ओनली, अच्छा अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, मेरे लिए यही मैटर करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट प्रोटीन्स आर एम्बेड इन द, ये भी किसके अंदर होगा, काइंडली टेल मी दिस आंसर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, एम्बेडेड की बात करें इसका मतलब ये क्या होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब बात करें इनटेक ऑफ लिक्विड, जब भी इनटेक ऑफ लिक्विड की बात करते हैं तो वो क्या होगा, इनटेक ऑफ लिक्विड इज स्पिनोसाइटोसिस, ठीक है, इनटेक ऑफ लिक्विड इज स्पिनोसाइटोसिस, क्लियर है, इनटेक ऑफ लिक्विड इज स्पिनोसाइटोसिस, क्लियर। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्लूड, ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आती है, इसके ऑप्शंस मैं आपको कैसे दिखाऊं, देखिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आती, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल भी आती है, गॉल्गी की भी आती है, न्यूक्लियर की भी आती है, सबकी आती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑल इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन, सारी मेम्ब्रेन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अमाउंट ऑफ लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना होता है, लिपिड का अमाउंट 20-40%, ठीक है, लिपिड कितना होता है, 20-40% लिपिड होता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन थ्रेड लाइक मटेरियल इज कन्वर्ट्स इनटू डार्कली स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा ये एक डार्क स्ट्रक्चर होता है, दिस इज अ डार्क स्ट्रक्चर, तो जब भी बात करेंगे ना सेल थ्रेड लाइक मटेरियल विद अ डार्क स्टेन स्ट्रक्चर, तो क्रोमोसोम होता है डार्क, क्यों होता है, ना ही न्यूक्लियाई ना ही दिस, क्रोमोसोम इज अ डार्क स्ट्रक्चर, ठीक है, व्हाट इज अ डार्क स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम इज अ डार्क स्ट्रक्चर। अच्छा, आई अप्रिशिएट माई ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी तक स्टार्ट ऑफ द क्लास से अभी तक मेरे साथ हैं, एंड आई होप के अल्लाह ताला उनको कामयाब करें, और काइंडली अजान हो रही है तो जस्ट वेट फॉर अजान, जब तक आप लोग चीज़ें नोट डाउन कर लें।
थैंक यू सो मच, आप लोग के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ। मैंने साथ में अपना मोबाइल भी रखा हुआ है ताकि मैं आप लोग के मैसेजेस वगैरह देख लूँ। बाकी थैंक यू सो मच जो भी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। दुआ किया करें मेरे लिए भी कि मैं भी अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छे से कर सकूँ कवर अप चीज़ें। जहाँ मैंने स्ट्रगल किया है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को वहाँ स्ट्रगल ना कर सकें। द प्लेस ऑन द क्रोमोजोम वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच, तो वो कौन सी प्लेस होती है? इट इज़ कौन सी प्लेस होती है? इट इज़ अ सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर में क्या होता है? दो क्रोमोजोम सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं। ईच क्रोमोजोम इज कंसिस्ट ऑफ टू, ईच क्रोमोजोम कंसिस्ट एट द बिगनिंग ऑफ सेल डिविजन। कैसे होते हैं? दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन रिमेन कॉन्स्टेंट जनरेशन टू जनरेशन। इट्स अ ऑल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, आपके पास जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं? सबके पास सेम जो होते हैं वो क्रोमोजोम्स के नंबर होते हैं, दैट इज 46, राइट? आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं काइंडली वो देख लीजिएगा। फ्रूट फ्लाई में कितने होते हैं क्रोमोजोम्स, लिख लीजिएगा पॉइंट्स करके। फ्रूट फ्लाई में कितने होते हैं क्रोमोजोम्स? ठीक है, 8 होते हैं, 8 होते हैं फ्रूट फ्लाई में। गार्डन पी में कितने होते हैं? 14 होते हैं। ये चीज़ें लिख लीजिए, 8 होते हैं फ्रूट फ्लाई में। गार्डन पी में कितने होते हैं? 14 होते हैं। ये पेपर में आ जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन जर्म सेल्स क्या होते हैं? जर्म सेल्स हमेशा याद रखिएगा दे आर हैप्लॉइड। ठीक है, जर्म सेल्स आर हैप्लॉइड। और हमारे पास ऑनियंस के अंदर कितने होते हैं? दे आर 8। हाँ, कॉर्न में 20 होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और ये पेपर के अंदर जहाँ ये जहाँ लिखा हुआ है ना, काइंडली इसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। कॉर्न में 20 होते हैं। फ्रॉग के अंदर कितने होते हैं? एप्लीकेशन वायरस की, एनिमल्स की जो वायरल डिजीज है वो देखने अच्छे से। जी बिल्कुल, शुक्रिया। ये पॉइंटर्स की फॉर्म में आप लोग लिख लें। ठीक है, वायरस की आपने देखनी है वैरायटी ऑफ लाइफ में। और एक और बात याद रखिएगा, एक MCQs आते हैं आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए SGF SGFOCPK। ये मैंने ऐसे ही याद किया, आप भी ऐसे याद करें। ठीक है, SGFOCPK। ठीक है, SGFOCPK व्हाट डज इट मीन? ये हमारे पास क्या है? टैक्सोनॉमी है। ठीक है, टैक्सोनॉमी है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं। ठीक है, तो जब आपने याद किया होगा ना SGFOCPK, तो आपको पता है वो क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। अगर बोलेंगे ना जीनस मिलके क्या बनाते हैं, तो आपको पता है वो क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास होगा ना फाइलम मिलके क्या बनाते हैं, तो फाइलम मिलके क्या बनाते हैं? किंगडम बनाते हैं। क्लियर है? अगर आपके पास होगा ना स्पीशी क्या होता है, स्पीशी मिलके क्या बनाते हैं, तो स्पीशी मिलके क्या बनाते हैं? जीनस बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? SGFOCPK, एस क्या होता है? स्पीशी कंबाइंस टुगेदर क्या बनाएंगे? जीनस बनाएंगे। फैमिली कंबाइंस टुगेदर क्या बनाएंगे? फैमिली के आगे ओ आ रहा है तो मतलब ऑर्डर बनाएंगे। एस क्या होता है? स्पीशी है। ये आप लोग बेशक लिख लें, एस इज अ स्पीशी, एस इज़ अ स्पीशी, जी इज़ अ जीनस, एफ इज़ अ फैमिली, ओ इज़ अ ऑर्डर, एंड सी इज़ अ SGFOC क्लास, एंड पी इज़ अ फाइलम, के इज़ अ किंगडम। क्लियर है? तो ये SGFOCPK है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी है डिजीज़ के बारे में, काइंडली ये लिख लीजिएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस आपके पास होता है B। ठीक है, बहुत सारे ABC, आपके पास जो AB होता है ना उसको कहते हैं सीरम। ठीक है, सीरम हेपेटाइटिस इज़ B। जबकि ए जो होता है ना, दिस इज आपके पास क्वेश्चन आता है विच वन इज़ अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, तो आपको पता होना चाहिए ए इज़ द मोस्ट कॉमन। फिर कहते हैं ऐसा हेपेटाइटिस कौन सा होता है जो मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है, यह हेपेटाइटिस में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये टॉपिक मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो कौन सा होता है? हेपेटाइटिस सी, जो क्या होता है? मदर से आपके पास बेबी को ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, कोई सा हेपेटाइटिस नहीं जाता एक्सेप्ट हेपेटाइटिस सी। ठीक है, आपके पास क्या है? हेपेटाइटिस सी कॉज करता है लीवर कैंसर्स बहुत ज़्यादा देन द हेपेटाइटिस बी। क्लियर है? यस, लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा इंशाल्लाह ताला, मैं कोशिश करूँगी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी हेपेटाइटिस बी क्या होता है हमारे पास? हेपेटाइटिस बी इज़ अ सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए इज़ अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी क्या करता है? ट्रांसमिट होता है प्रेगनेंसी के अंदर।
और उसके बाद मम्स क्या होता है, पैरामिक्सो वायरस से होता है, ठीक है। ये कुछ नाम्स हैं, ये आपको आने चाहिए। मम्स डिजीज कॉज बाय द पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। HIV स्टैंड फॉर बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। AIDS स्टैंड फॉर बहुत ज़्यादा आता है, ये दोनों आपको आने चाहिए। HIV किससे होता है, उसका स्टैंड फॉर क्या है, HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम होता है वायरस, और ये किससे होता है, रेट्रो वायरस से, या रेट्रो वायरस कौन सा होता है, रेप्टो वायरस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट वायरस के अंदर कितने जीन्स होते हैं, 4 जीन्स होते हैं, ये बुलेट के फॉर्म में लिख लें, ठीक है। वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रॉम द टोबैको प्लांट, ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं, टोबैको प्लांट से हो रहे हैं। और ये कौन से वायरस से था, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, क्लियर है, टोबैको मोज़ेक। अब वायरस आपके पास डिस्कवर किसने किया है, इवानोस्की, एक साइंटिस्ट है इवानोस्की, उसने किया है, ठीक है। आपके पास ये सारी बातें पता होना चाहिए। वायरस किसके पहली बार किससे, कौन से प्लांट था, टोबैको मोज़ेक प्लांट था, किसने किया था, इवानोस्की ने किया था, कौन सा वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस था, क्लियर है। आई थिंक स्क्रीन क्लियर है, आपके पास इंटरनेट का इशू होगा इसलिए आपको ब्लर फील हो रहा होगा। एक और बात याद रखिएगा, आपके पास एक क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, आपके पास लिखा हुआ है अन एनवेलप वायरस, अन एनवेलप प्लस 10 RNA वायरस। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, आप इसको खोल लें, ये ज़रूर ज़रूर याद कीजिएगा, इसमें से एक MCQ ज़रूर आता है। काइंडली बुक को अपने साथ रखें, क्योंकि मैं बुक को रिलेट करके पढ़ा रही हूँ, तो आई वॉन्ट एवरीवन के वो सब खोल के रखें अपने साथ, ठीक है। वैरायटी, और मैं प्रेफर जो कर रही हूँ बुक, दिस इज़ ओल्ड वन, द रीज़न इज़ दैट बिकॉज ओल्ड के अंदर मैक्सिमम चीज़ें लिखी हुई है और जो न्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो आपको इतने छोटे से सिलेबस से एग्जाम देंगे, नो, यू मस्ट हैव द कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट ओल्ड वाले में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यू वन। तो आई एम प्रेफरिंग द न्यू ओल्ड वन, इफ़ यू गाइज डोंट हैव न्यू ओल्ड वन तो फिर आप न्यू वन पढ़ें। पेज नंबर 88 पे आइएगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। 89 आपके पास लिखा हुआ है अन एनवेलप प्लस स्ट्रैंड RNA वायरस, ये बिल्कुल सीक्वेंस से याद करें, अन एनवेलप प्लस स्ट्रैंड, एनवेलप प्लस स्ट्रैंड RNA, माइनस स्ट्रैंड RNA, सिर्फ इनकी हेडिंग याद करें। आपको पता होना चाहिए कि पोलियो वायरस किसके अंदर है, दिस इज़ द अन एनवेलप प्लस स्ट्रैंड RNA वायरस। हेपेटाइटिस ए और सी क्या है, एनवेलप प्लस स्ट्रैंड RNA वायरस। आपको पता होना चाहिए माइनस स्ट्रैंड RNA वायरस कौन सा है, रेप्डो वायरस एंड पॉक्स वायरस, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि रेप्डो वायरस कौन सा वायरस है, एनवेलप प्लस स्ट्रैंड है या फिर माइनस स्ट्रैंड RNA है या माइनस स्ट्रैंड DNA है, तो आपको पता है रेपडो क्या है, माइनस स्ट्रैंड RNA वायरस। काइंडली पेज नंबर लिख लें, पेज नंबर 89, दिस वन टॉपिक यू नीड टू कवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास ये पता होना चाहिए परवो वायरस क्या है, स्मॉल जीनोम DNA वायरस है, ये बिल्कुल लाइन से याद कीजिएगा, लाइन से याद करेंगे तो याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। सिर्फ हेडिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए, वैसे नज़र नहीं आएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपने ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़ करना है। इसके अलावा आपको विरोइड्स का पता होना चाहिए, प्रायोन्स का पता होना चाहिए, ठीक है। प्रायोन्स किस में होते हैं, एनिमल्स के अंदर होते हैं, दे आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन, ये लिख लें। प्रायोन्स क्या होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं। अब एक और बात याद रखिएगा, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, किंगडम, ठीक है। किंगडम इज़ द लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट कौन है, स्पीशी, ठीक है। जो हमने SGF और CPK किया था ना, के एंड में आ रहा है, दिस इज़ द लार्जेस्ट, S क्या है, छोटा है, स्पीशी सबसे छोटा होता है क्लासिफिकेशन का यूनिट, और सबसे बड़ा कौन होता है, किंगडम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास जो प्रायोन्स होते हैं ना, दे आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है। प्रायोन्स आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, प्रायोन्स आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, जबकि वेरॉइड्स क्या होते हैं, दे आर द, ठीक है, वेरॉइड्स क्या होते हैं, वायरल जीनोम्स होते हैं। वेरॉइड्स को इन्फेक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको लिख लें, वेरॉइड्स इन्फेक्टियस मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, काइंडली लिख लें सब चीज़ें। प्रायोन्स मिसफोल्डेड प्रोटीन, आपके पास जब भी मिसफोल्डेड का वर्ड आए ना, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आए ना, चुप करके आंखें बंद के प्रायोन्स को क्लिक कर दिएगा। जब भी आपके पास इन्फेक्टियस मॉलिक्यूल की बात करें, तो आपने चुपचाप वेरॉइड को क्लिक कर देना, ठीक है। बिल्कुल STB की बुक है। पेज नंबर 88 एंड 89, सही है, पेज नंबर 88 एंड 89। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास
बहुत सारी डिजीज आ जाती है, हेपेटाइटिस, ये सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। ठीक है, आपके पास वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर इतना ही है और ये कोई इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। ठीक है, किंगडम मोनेरा भी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट इसमें से फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, मोनेरा के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाली है, बैक्टीरिया हो गया, इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप मेरे बीमेड में तो आपने बहुत अच्छे से ये वीडियो लेक्चर लिया होगा। ठीक है, तो आप आराम से ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यू हैव अ किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया किसने किया, लेवेनहॉक ने किया है, इसकी क्लासिफिकेशन कॉक्सी क्या है, बेसिली क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। पिलाई का फंक्शन क्या है, पिलाई का फंक्शन बहुत आता है, लिखें पिलाई क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, नॉट लोकोमोशन, ये बहुत आता है। ठीक है, आपके पास जो दो चीज़ें होती है, एक होता है पिलाई, एक होता है फ्लैजिला। ठीक है, जो पिलाई होता है ना वो किस में हेल्प करता है, आपके पास रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड रिप्रोडक्शन में। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का जो आपके पास लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, तो दैट इज़ अ पिलाई। और ये भी आ सकता है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कॉन्जुगेशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इट्स अ पिलाई। ठीक है, और लोकोमोशन में कौन करता है, हेल्प फ्लैजिला, फ्लैजिला हेल्प्स इन द लोकोमोशन। ठीक है, इसके अलावा आपको जेनेटिक मटेरियल पता होना चाहिए, इसका एरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन अच्छे से आना चाहिए आपको, बहुत अच्छे से टाइप्स आनी चाहिए। ठीक है, ए ट्राइकस क्या होता है, नो फ्लैजिला, ए ट्राइकस नो फ्लैजिला, मोनोट्राइकस वन फ्लैजिला, लोफोट्राइकस मैनी फ्लैजिला, ठीक है, एट वन साइड, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। फ्लैजिला मोटिलिटी प्रोवाइड करता है और पिलाई क्या करता है, मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी कहा था क्लास, कल भी हम लाइव सेशन 6 बजे लेंगे। ठीक है, टुमारो विल बी द लाइव सेशन एज वेल, और हम 6 बजे लेंगे और उसके अंदर ठीक है, आप लोग खुद को इतना प्रिपेयर करके आइएगा, इतना चीज़ें खा के आइएगा कि आप लोग के पास इतनी एनर्जी हो कि एटलीस्ट अगर 2 आवर्स की मैं क्लास ले रही हूँ ना तो आप लोग ले सकें। आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम सो आई वॉन्ट एवरी वन आउट देयर टू बी देयर। ठीक है, आप लोग कहते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा, लेट सपोज अगर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ना मिला तो आप क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगी कि रिकॉर्ड हो जाए, बट अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो डोंट टेक द रिस्क, बेटर टू बी इन द क्लास। अगर आपके लिए क्लास रख रही हो ना तो आपको लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास ग्रोथ इन बैक्टीरिया आपको आना चाहिए, सही है, आपके पास न्यूट्रिशन का टॉपिक भी लिख लें, ये आपने पढ़ना है खुद से, ये टॉपिक जो लिखवा रही है खुद से पढ़ना है। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे ग्रो करता है बैक्टीरिया, तो इट इज़ बाय एंडोस्पोर। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे करता है, बाय एंडोस्पोर, इसको लिख लें, बाय एंडोस्पोर क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, बाय एंडोस्पोर। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल के अंदर एक यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, ये पॉइंटर की फॉर्म में लिखे, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल पोजेस यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल, व्हाट इज इट, इसको कहते हैं पेप्टिडोग्लिकन या फिर म्यूरिन। ठीक है मैम, प्लीज़ आज लेक्चर अपलोड ज़रूर दीजिएगा काइंडली, यस ओके, बिल्कुल, ये सवाल बहुत आता है, मुझे पता है बैक्टीरिया सेल के अंदर कौन सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, पेप्टिडोग्लिकन, मैंने हर चैप्टर की वो क्वेश्चन निकाले जो पेपर में आते हैं, वो एमसीक्यूज जो पेपर से, मैंने पास्ट पेपर से रिलेट करके चीज़ें लिखी हैं, तो इट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग काइंडली इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पेप्टिडोग्लिकन्स एंड म्यूरिन, इसका दूसरा नाम म्यूरिन भी होता है। ब्लू ग्रीन एल्जी में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा इट्स अ क्लोरोफिल ए, नॉट क्लोरोफिल बी, नॉट क्लोरोफिल सी, इट्स ओनली क्लोरोफिल ए। आपके पास ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक होता है जो आपके टीथ को डिसकलर करता है, ठीक है, बच्चों के टीथ को, दिस इज़ अ टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो आपके बच्चों के टीथ को डिसकलर करता है, ये पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है, दैट्स व्हाई आई राइट इट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। आपके पास आते हैं आप किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया के पास आपके बाद, इसके बाद आपके पास 3 चैप्टर रह जाएंगे, ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज, ठीक, जो कि आई थिंक मैं आपको कल करवाऊंगी। ठीक है, ये 3 चैप्टर हम लोग कल करेंगे और इसके बायो 2 के साथ करेंगे, पहले बायो 2 करेंगे उसके बाद फिर हम करेंगे। अच्छा, आपके पास आ गया किंगडम एनिमेलिया, वन ऑफ द चैप्टर जिसका बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है। यस, इंग्लिश का भी रखूँगी, डोंट वरी अबाउट इट, इंग्लिश की भी रखूँगी मैं इंशाल्लाह ताला। देखिए, आपके पास किंगडम एनिमेलिया एक ऐसा चैप्टर है विच इज़ टू लॉन्ग, टू बिग चैप्टर, जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है। आपको मैं एक बात कहूँगी, किंगडम एनिमेलिया को आपके पास अगर नोट्स है ना तो नोट्स से पढ़ें। ठीक है, आई विल प्रेफर एवरी वन कि कोई नोट्स पढ़ ले।
ठीक है, कोई नोट्स रख ले एनिमेलिया के लिए, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 MCQs या 3 MCQs आते हैं। अब वो 2 और 3 MCQs के लिए आप सब कुछ, यानी आपके 5-6 चैप्टर जो रहते हैं ना, उन सबको ख़त्म नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, PMDC के सिलेबस को फॉलो करें, और किंगडम प्लांटी को उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई, मैंने सुना है टीचर्स कह रहे हैं कुछ कि प्लांटी का चैप्टर भी करें, तो प्लीज़ डोंट टच प्लांटी चैप्टर, क्योंकि आ नहीं रहा ना, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ एनिमेलिया के अंदर, काइंडली वो लिख लें, ठीक है, काइंडली वो लिख लें। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ एनिमेलिया के, जो मैं चाहती हूँ कि सबको पता होना चाहिए। आप सबको प्रोटोजोम, यूट्रोजोम, स्पाइरल, रेडियल, इन सब के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ लिखवा रही हूँ, आप लिखिएगा प्लीज़। प्रोटोजोम की एग्जांपल लिखवा रही हूँ, चीज़ों के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, प्रोटोजोम की एग्जांपल, ये पेपर में ना एग्जांपल्स आती है, तो ये एग्जांपल्स लिख लें। प्रोटोजोम की एग्जांपल आती है एनिलिड, ठीक है, उसके बाद मोलुस्का एंड आर्थ्रोपोड, ठीक है, ये 3 एग्जांपल है, एनिलिड, मोलुस्का, आर्थ्रोपोड। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, MAA, माँ, ठीक है, इस तरह करके भी याद कर सकते हैं। एम क्या है? मोलुस्का, एनिलिड एंड आर्थ्रोपोड, ठीक, ये 3 एग्जांपल है किसकी? प्रोटोस्ट्रोम की, ठीक है, प्रोटोस्ट्रोम्स की एग्जांपल है। क्लियर है यहाँ पर? प्रोटोस्ट्रोम क्या होता है? जो आपको सबसे पहले लिप्स बना रहा होता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ड्यूट्रोस्ट्रोम। काइंडली एग्जांपल्स लिख लें, मैं आपको लिखवा रही हूँ तो आप लिख लें। मेरी कोशिश है कि आज कंप्लीट करवाऊँ, ठीक है, लेकिन आज कंप्लीट नहीं हो सकता, लास्ट के 3 चैप्टर रह जाएंगे बस, उसके अलावा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ड्यूट्रोस्ट्रोम के एग्जांपल क्या आता है? इकाइनोडर्म, लिख लें प्लीज़, इकाइनोडर्म्स। देन यू हैव हेमिकॉर्डेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, लिख लें प्लीज़। इसके बाद लिख ली सबने, इसके बाद लिखिएगा स्पायरल, बल्कि स्पायरल छोड़ दें, इसके बाद लिखिए डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होती है? जो हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होती है? जिसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। डिप्लो की एग्जांपल है फाइलम नाइडेरियन, ठीक है, नाइडेरिया जो होती है ना, फाइलम नाइडेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक। ये वो चीज़ें जो याद रखने की चीज़ें हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखिएगा। नाइडेरिया के अलावा जो सारी ग्रेड है ना नाइडेरिया के, एक्सेप्ट नाइडेरिया, सब क्या है? ट्रिप्लो है। बिल्कुल, डिप्लो में क्या होता है? मेसोडर्म एब्सेंट होता है, बिल्कुल, एक्सेप्ट नाइडेरिया क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद लिखिएगा, हमारे पास 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स होती है, ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट, ठीक है, आपके पास ये 3 चीज़ होती हैं, ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। इसकी एग्जांपल लिखिएगा, ए सिलोमेट की एग्जांपल क्या है? प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है, प्लेटी हेलमेंथिस। उसके बाद आपके पास होता है सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट की एस्केलमेंथ। उसके बाद सिलोमेट की एग्जांपल क्या है? एनिलिड से लेकर सारे कॉर्डिटा तक, ठीक है, एनिलिड टू कॉर्डिटा तक सारे क्या होंगे? एनिलिड टू कॉर्डिटा तक क्या होंगे? सिलोमेट, ठीक है, एनिलिड टू, ठीक है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के आपके पास और 3 पार्ट्स आ गए, ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट्स। ए सिलोमेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती, ठीक है, सीडो क्या होता है? फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, लेकिन सिलोमेट क्या होते हैं? सिलोम्स होते हैं, आपके पास कैविटी बनी। कैविटी क्या होती है? जैसे आपके पास स्टमक एक कैविटी है, बहुत अच्छे से होती है, ठीक है, एग्जांपल्स पेपर में आती हैं, तो ये प्लीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने आपको सारी सब के एग्जांपल्स लिखवा दिए हैं, ठीक। अच्छा, आपके ना एनिमेलिया के पेज नंबर बता रही हूँ, उस पेज नंबर को देखिएगा प्लीज़, वो पेज नंबर आपने ऐसे रटना है ना कि वो पूरी चैप्टर अगर आप छोड़ रहे हैं ना, तो वो पेज आपको आना चाहिए, पेज नंबर 237, काइंडली ओपन पेज नंबर 237, ठीक है, दिस पेज नंबर 237, यू नीड टू लर्न दिस चैप्टर 237, बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपके पास पूरा जितना भी ये लिखा हुआ है ना, उसके अंदर पेज 237 इसका पूरा कंक्लूजन है, तो इस कंक्लूजन को तो एटलीस्ट आप लोग रट लें, ठीक है, दिस कंक्लूजन यू नीड टू लर्न इट एवरीथिंग, जो भी इसके अंदर लिखा है ना सब याद करना है इस कंक्लूजन के अंदर, क्लियर है? अच्छा, आपके पास ये कंक्लूजन हो गया।
अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी है जो पढ़नी है, जैसे आपने मॉल्टिंग पढ़नी है, एग्जाइसिस पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मॉल्टिंग क्या होती है, एग्जाइसिस क्या होता है। अच्छा, यहाँ तक हो गया आपके पास ये चीज़ें। बहुत डिटेल में नहीं चाहिएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ओलिगो, ऊपर से तो एटलीस्ट सब पता होना चाहिए। ओलिगोचेट क्या होता है, टू सिटाइज होती है उसके अंदर, हिरुडीनिया क्या होता है विदाउट सिटाई और पैरापोडिया, ठीक है। फाइलम मोलस्का को दूसरा नाम क्या होता है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल कहते हैं। एनलिट को क्या कहते हैं, सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं। ऊपर ऊपर से सब पता होना चाहिए, ठीक है। फाइलम निमेटेलमिंथोस को क्या कहते हैं, नेमाटोडा कहते हैं या राउंड वॉर्म्स कहते हैं, बेशक लिख लिए। एनलिट को क्या कहते हैं, सेगमेंटेड बॉडी। नेमाटोडा को क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म्स। नेमाटोडा इज़ अ राउंड वॉर्म्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो, एक चार्ट बना रही हूँ, ठीक है। वो चार्ट प्लीज़ आप लोग बना लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सब चीज़ें ही कवर हो रही हैं, ठीक है। एक चार्ट बना रही हूँ फाइलम कॉर्डेटा का। फाइलम कॉर्डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर। फाइलम कॉर्डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चार्ट बना रही हूँ छोटा सा, उसको बना लीजिएगा आप सारे, जैसे इतना बड़ा है बट स्टिल बन जाएगा। आपके पास क्या है, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। आपके पास ये दो कैटेगरीज में होता है, एक होता है एक्रैनिएटा, काइंडली साथ लिख दीजिए, मैं पूरा वर्ड नहीं लिख सकती, एक्रैनिएटा, और दूसरा होता है क्रैनिएटा, ठीक है। एक्रैनिएटा और क्रैनिएटा। एक्रैनिएटा क्या होता है, जिसके अंदर क्रेनियम नहीं है, ठीक है। एक्रैनियम यानी आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है लेकिन कहीं और पर, एक्रैनिएटा। अब इसके अंदर फर्दर दो टाइप्स होती है, एक होता है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और एक होता है सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। जबकि क्रैनिएटा में दो एग्जांपल आती हैं, एक होता है एग्नेथा, ठीक है, एग्नेथा, और एक होता है ग्नेथोसोमा, ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है, जी लिख रही हूँ। अच्छा, आपके पास एक क्रेनियम क्या होता है, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। क्रेनिएटा क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास जॉज और इस तरह की चीज़ें वगैरह की डिस्कस की जाती है। आपके पास एक क्रेनिएटा के एग्जांपल में आता है यूरो, इसके अंदर क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होता है, टेल में, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है, टेल में। सिफेलोपोडा में वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होता है, हेड से लेकर टेल तक, ठीक है, हेड टू टेल। अब इसकी एग्जांपल पेपर में आती है, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल क्या होती है, एसीटिया, ठीक है, व्हाट इज़ एन एग्जांपल, एसीटिया। जबकि सिफेलोपोड की एग्जांपल क्या है, एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस। कुछ याद नहीं कर रहे, सिर्फ एग्जांपल याद कर लें। सिफेलोपोडा की एग्जांपल में क्या आता है, एम्फियोक्सिस। यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल में क्या आता है, एसीडिया। आपके पास यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम टेल में होता है। सिफेलो में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट फ्रॉम द हेड टू टेल, क्लियर है, हेड टू टेल। अब आपके पास एग्नेथा आता है और क्रैनिएटोसोमा आता है। एग्नेथा की फर्दर टाइप्स होती हैं, ठीक है, एग्नेथा की फर्दर टाइप्स होती हैं, टेट्रापोडा एंड पाइसिस, ठीक है, पाइसिस, टेट्रापोडा, सही है। टेट्रापोडा में फर्दर होती है एम्फीबियंस। टेट्रापोडा का फर्दर कीजिएगा, इसमें क्या होता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, हम हैं जिनके चार पाँव हैं, ठीक है, टेट्रापोडा एंड पाइसिस। पाइसिस फिश के अंदर आते हैं, ठीक है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड्स, ठीक है, टेट्रापोडा में ये आता है टेट्रापोडा। उसके बाद फर्दर मैमल्स के, यहाँ तक आपने सब कुछ लिख लिया है, अगर लिख लिया तो मुझे बता दें, मैं आपके मैमल्स के बारे में लिखवाना चाह रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैमल्स। पेपर में मैमल्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। कर लिया यहाँ तक, मैं नेक्स्ट पे जाऊँ। ठीक है, अब आपके पास आता है, ठीक है, आपके पास आता है मैमल्स। मैमल्स फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं, जो कि मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। थ्री सब क्लासेस है मैमल्स की, एक होता है प्रोटीथीरा, ठीक है, प्रोटोथीरा, एक होता है मैटाथीरा, प्रोटोथीरिया, मैटाथीरिया एंड यूथीरिया, ठीक है, ये सब क्लासेस हैं।
अब आपके पास प्रोटोथीरियंस जो होते हैं ना, वो कौन से होते हैं जो एग देते हैं, वो मैमल्स जो एग देते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होती है, डकबिल और डकबिल प्लेटिपस जो है ना, उसकी एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है, ठीक है। डकबिल प्लेटिपस एक ही ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, एग लेइंग मैमल है, ठीक है। उसके बाद मेटाथीरिया क्या होते हैं, वो सारे जो कि पाउच होते हैं, जैसे कि आपके पास कैंगरू होता है, ठीक है। पाउच कौन से होते हैं, ये पेपर में बहुत आता है, अभी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत आता है इसलिए मैं करवा रही हूँ। पाउच मैमल्स कौन से होते हैं, मेटाथीरियन होते हैं, ठीक है। मेटाथीरियन के एग्जांपल में क्या आता है, कैंगरू हो गया, कोला बेयर हो गया और ऑपोसम्स, ठीक है। इसमें से कुछ आपके पास बुक में एग्जांपल्स लिखी है और कुछ नहीं लिखी है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ लिख लें, क्लियर है। इसके बाद लास्ट होता है यूथीरियन, वो होते हैं जो प्लेसेंटल, जो कि हम है, ठीक है। हम यूथीरिया में आते हैं, जो कि प्लेसेंटल है, यानी इनके पास प्लेसेंटा होते हैं। मंकी हो गए, काओ, एलिफेंट, बैट, व्हेल एंड ह्यूमन, ठीक है। इनके पास क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। ये कौन होते हैं, यूथीरियन होते हैं। यूथीरियन इज अ प्लेसेंटल, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे थक गए हैं, बट मैं एक बात बता दूं कि मैं जो है ना पढ़ाते हुए बिल्कुल नहीं थकती। आप लोग पढ़ते हुए कैसे थक जाते हैं, मैं तो 3-4 घंटे भी पढ़ा सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और लगातार विदाउट ईटिंग समथिंग। अगर आप लोग बोलते हैं तो थोड़ा सा गैप ले लेते हैं 5 मिनट का, उसके बाद ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करवाना है और उसके बाद हम एंड करेंगे, सही है। 5 मिनट का गैप ले लेते हैं, आप लोग भी अगर पानी वगैरह पीना है तो जाके पी लें, और मैं भी थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ। 5 मिनट का है, 47 हो रहे हैं, और 47-50 पे बल्कि स्टार्ट कर देंगे। 10 मिनट और क्लास लेके 8 पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। 50 तक आप स्टार्ट कर लें, जो भी करना है, यानी आपके पास 3 मिनट है, 3 मिनट में आप जो भी कर सकते हैं कर लें, जितना भी रेस्ट लेना है। जो मैंने आपको चार्ट्स बनाए हैं ये काइंडली लिख लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें आपको लिखवाई हैं वो लिख लीजिएगा अच्छे से। पीएमडीसी के सिलेबस के अलावा कुछ भी नहीं करना। किसी ने पूछा हुआ है कि सबसे फाइलम बड़ा कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आर्थ्रोपोडा अगर नहीं आ रहा पेपर में तो ये ज्वाइंट लेग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ज्वाइंट लेग्स एंड आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट, और ये बात याद रखिएगा, विच इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, स्क्वेड, ये लिख लिए, स्क्वेड इज अ लार्जेस्ट इन, यस, ये लाइव सेशन मेरे चैनल पर रहेगा इंशाल्लाह। स्क्वेड्स आर द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये भी लिख लिए, स्क्वेड्स आर द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स, ये पेपर में एक दफ़ा आया हुआ है। एक बात याद रखिएगा, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, दे आर द बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, बायलेटरली एंड सिमेट्रिकल। कंटिन्यू करते हैं, बाकी एक मिनट रह गया है। ऐसे ही हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गया है। आपको एक्सेप्शनल आपको बता देती हूँ एक बात, कंटिन्यू करती हूँ, यस, एक्सेप्शनल एक बात बता दूँ कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट सेशन एज वेल, एंड टेस्ट सेशन इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम दी लाइक आई थिंक अभी क्या है, आज क्या है, हाँ 18 से स्टार्ट है टेस्ट सेशन, और 10 डेज का टेस्ट सेशन होगा, 10 टेस्ट सेशन होंगे आपके, उसके अंदर आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, ठीक है, 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 4 आपके और हर बुक का, पूरे बुक का भी टेस्ट होगा। जैसे आपने बायो वन पढ़ी तो बायो वन का फुल टेस्ट, एंड टेस्ट सेशंस होंगे तो दैट हैव सम चार्जेस एज वेल। तो मैं आपको पूरा जो है चार्जेस के बारे में और टेस्ट सेशन और जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सेशंस होते हैं, आपका जो भी टेस्ट होगा ना, आपको उसका रिजल्ट फ़ौरन आपको मिल जाएगा।
और लाइक विद इन अ मिनट आप जैसे टेस्ट सॉल्व कर लोगे, आपके फुल एंड टेस्ट मतलब पूरा जो आपका होता है फुल एंड टेस्ट होगा उसका रिजल्ट फ़ौरन आपको मिल जाएगा और ईमेल के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। तो इसकी मैं पूरी एक क्लास बनाऊंगी। सो रजिस्ट्रेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। जो बच्चे वैसे बहुत सारे बच्चे इनरोल कर भी चुके हैं, तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट तो इनरोल कर लीजिएगा। बाकी टेस्ट सेशन हेल्प्स अ लॉट, तो मैं कहूँगी सबको। यस, बीमेट वालों के लिए फ्री है। बीमेट के अलावा जो बच्चे हैं दे हैव द चार्जेस, और वो भी चार्जेस बहुत कम है, 1000 rupees है फॉर 10 टेस्ट सेशंस एंड दिस इज़ वेरी लेस। बहुत सारे बच्चे मुझे ऑलरेडी पे कर चुके हैं जो कि उसके लिए कर रहे थे। और तो मैं आपको इसका बारे में पूरी डिटेल है यूट्यूब पर बता दूँगी। बट ये हमारे पास वी जस्ट हैव फ्यू स्लॉट्स फॉर द टेस्ट सेशंस, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब इनरोल करना होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली ही बात है, और आपको रिजल्ट आएगा और जो टॉप रिजल्ट होगा मैं वो भी अनाउंस करूँगी क्लास के अंदर। तो यस, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं क्लास मैमेलिया। आपके पास मैमेलिया के अंदर आपको मैंने 3 क्लास बता रट लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आप कुछ बातें बता रही कितनी होती है, 10 पेयर्स होती हैं, ठीक है। और ऑफ क्रेनियल नर्व्स, नर्व्स इन बोनी फिशेज 10 होती हैं, नर्व इन बोनी फिशेज, बोनी फिशेज कितनी होती हैं, 10 होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास मॉलस्का की कितनी स्पीशी है, इकायरोडर्म की कितनी स्पीशी है, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रेटिटा और कार्निटाई जो होते हैं ये किस तरह के एनिमल हैं, क्या कार्निटाई क्या होते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। रेटिटा क्या होते हैं, फ्लाइट लेस बर्ड होते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास बर्ड्स की क्लासिफिकेशन है 2, एक होती है रेटिटाई एक होती है कार्निटाई, एंड दे हैव एक होता है फ्लाइट लेस बर्ड उसे कहते हैं रेटिटाई, और कार्निटाई क्या होते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स। यहाँ तक क्लियर है इसको? अच्छा, आपको इसमें से यही करना है एनिमेलिया के पोर्शन में से, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एनिमेलिया को जो लास्ट टेबल है ना उसको आपने रट लेना है। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग बता दीजिएगा। आपके पास बायो एनर्जेटिक का चैप्टर रहेगा इंशाल्लाह, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और बाकी आर्थ्रोपोडा की पूरी क्लास नहीं करनी, ऊपर से पढ़ना है बस। लास्ट ईयर किंगडम प्लांटी से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था, एक क्वेश्चन आया था। अगर आप एक क्वेश्चन के लिए करना है तो आप कर लीजिएगा पूरा चैप्टर, अदरवाइज मैं आपको बोलूँगी नहीं करें बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। तो बेटर टू फॉलो द PMDC सिलेबस। PMDC में जितना किया है ना चैप्टर, जितना चैप्टर का नाम है ना वो चैप्टर ज़रूर करना है, ठीक है। एंड टेस्ट सेशंस का मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। टेस्ट सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, सो यू गाइस कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है टिल द 18 अगस्त। 18 अगस्त से पहले तक आप अपने आपको रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड इट इज़ फर्स्ट सर्व एंड फर्स्ट सर्विस, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट है फॉर द टेस्ट सेशन। यू गाइस कैन ज्वाइन इट, और माई नंबर ऑलरेडी यू नो, फिर भी लिख देती हूँ। दिस इज द नंबर जिसके अंदर ईजी पैसा करना है, 3154924। यस, मैं लाइव सेशन एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर।